30 सेकंड के लिए एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, शायद कुछ लोगों को पता ना हो। इसमें जैसे मैं एकाओ का प्रॉपर इंस्ट्रक्टर हूं, मास्टर ट्रेनर हूं स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम का। उसके बाद ये एकाओ के मुख्तलिफ फोरम पे पाकिस्तान का एसएसपी हमने डिस्कस किया, और इसमें पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने एसएसपी लॉन्च किया, मैनुअल बनाया, और उस पर पाकिस्तान को उन्होंने एसएसपी चैम्पियन करार दिया। चैम्पियन का मतलब एकाओ के उसमें है कि आप दूसरे कंट्रीज को लीड करें। This was back in 2010, 2011 or 12. So उसके बाद ये मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहाँ मैं अटेंड करता हूँ। ये फोरम्स, ये सारे एकाओ के फोरम्स हैं, एकाओ के मुख्तलिफ। उस पर पाकिस्तान को मैंने तकरीबन 6-7 साल रिप्रेजेंट किया। फिर ये यूके है, 787 ड्रीम लाइनर का ट्रेनिंग सेंटर है, इसका मैंने ऑडिट किया और उनको कुछ वो दिए। ये यूके के एक एयरलाइन है मोनिका। उसके बाद मुख्तलिफ और एक्सक्यूज मी, ये फोरम्स हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि सेम फ्रीक्वेंसी पे हम रहें। इसके बाद जब अब एक्चुअल प्रेजेंटेशन होती है, कमर्शियल एविएशन और मिलिट्री एविएशन में बहुत डिफरेंट होता है। कमर्शियल एविएशन इज रेगुलेटेड बाय लेयर्स ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटी, जबकि मिलिट्री एविएशन में अगर मेंटेनेंस है तो मैं अगर SEO हूँ तो मैं ऑल इन ऑल हूँ। अच्छा, कमर्शियल एविएशन में मिशन होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है, वहाँ पे कैपेबिलिटी होती है, यहाँ कैपेसिटी होता है। इसी तरह वहाँ ऑर्डर होता है, यहाँ रेगुलेशन होते हैं। जो चीज़ अगेंस्ट रेगुलेशन हो वो ऑर्डर कोई नहीं मानता, चाहे बॉस दे चाहे कोई भी दे दे। अच्छा, फिर दूसरा जो एविएशन है, इट इज़ नॉट अ लोकल एक्टिविटी, इट्स नॉट अ रीजनल एक्टिविटी, इट इज़ ए इंटरनेशनल एक्टिविटी विच इज़ टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। हर नई टेक्नोलॉजी इम्बेड हो जाती है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट। फिर ये स्टैंडर्ड एंड रेगुलेटरी इंटेंसिव है, बिकॉज इसमें दिस इज़ जो WHO के है और एविएशन के एंड देन एटॉमिक के जितने भी स्टैंडर्ड है जो सेफ्टी, ये सारे सेफ्टी से रिलेटेड है, और दिस हैज़ टू बी 100% रेगुलेटेड। जैसे बहुत सारे दूसरे रेगुलेशन हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जहां 100% रेगुलेशन नहीं होती, इसलिए लेयर्स ऑफ रेगुलेशन है। लाइक एकाओ है, आगे मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगा। फिर कमर्शियल एविएशन नॉट अ नेशनल और रीजनल एक्टिविटी, इट्स एन इंटरनेशनल एक्टिविटी टू बी हार्मोनाइज एंड सिंक्रोनाइज। लाइक मिलिट्री एविएशन में सिक्रेसी या कन्फिडेंशियलिटी है, बट कमर्शियल एविएशन में हम इंडियंस के साथ बैठ के डिस्कस करते थे। जो रीजनल डायरेक्टर एकाओ है, दैट इज़ एन इंडियन, इस वक्त भी वनोज शर्मा है, पहले एक पाकिस्तानी होता था, मुख्तार साहब होते थे। सो इसमें मैक्सिमम चीज़ें सिंक्रोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। सो इसकी सेफ्टी और साइड मॉनिटरिंग के जो स्टैंडर्ड्स है सेम हैं, जो प्रोसीजर है सेम है, उसी तरह नेशनल रेगुलेशन जो है वो एकाओ को अडोप्ट करता है। सारे मुल्क अपनी, इसमें ओनली डिफरेंस उस मुल्क का कल्चर उसमें आ जाता है। अब इंटरनेशनल सेफ्टी ओवरसाइट मॉनिटरिंग 100% रेगुलेटेड है, तो इसके लिए मैंने कहा थोड़ा सा अब सब लोग जानते हैं, नॉलेज रिफ्रेश करूं। एकाओ, एकाओ इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। सारे दुनिया के 192 कंट्रीज दे आर सिग्नेटरी, और जब वो सिग्नेटरी हो तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि मैंडेटरी उसके स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें और उसको फॉलो करें। दिस इज फॉर दी हार्मोनाइजेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। एवरी कंट्री, जो MRO पाकिस्तान में बनता है वही MRO यूरोप में बनता है। सारे चीज़ें कॉमन होती है, बट यूरोप के कल्चर के मुताबिक कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है, इसी तरह पाकिस्तान का डिफरेंट होता है। इसके साउथ ऑफिस, रीजनल ऑफिस है बैंकॉक, एशिया पैसिफिक। इसमें बेसिकली हम एशिया पैसिफिक में आते हैं, हमारे कॉस्ट कैप है, अप्रास्ट है, सराष्ट है, ये सब के सब रीजनल ऑफिस में आता है। यही ये बैंकॉक में इसका रीजनल ऑफिस है। इसकी मीटिंग्स कभी मैनिला में होती है, कभी किसी दूसरे मुल्कों में होती है, फिर कायरो है। ये 7 एजेंसीज हैं उनके। अच्छा, एकाओ के जितने भी दुनिया के कमर्शियल एविएशन है, ये 19 एनेक्सेस से कंट्रोल होते हैं, और ये 19 एनेक्सेस दे आर ऑब्लिगेटरी, एवरी कंट्री मस्ट फॉलो। ये अपडेट होते रहते हैं, इसमें सारे दुनिया के मुल्क इसके मेंबर है। इसके मुख्तलिफ लेयर्स ऑफ मीटिंग होती है, DGCA मीटिंग होती है, एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट की साल में 2 बार मीटिंग होती है, और मैं तकरीबन 7-8 साल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा हूँ, वहाँ पे ये रेगुलेशंस होते हैं। अब जैसे 19 एनेक्सेस है एकाओ के, सो जो लास्ट एनेक्स है, दिस इज सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये 2001 से चला, और 2000
2013 में जाके ये फाइनल हुआ। इसकी बहुत सारी मीटिंग हमने अटेंड की। इसमें जो चेंज मैनेजमेंट वाला है वो पाकिस्तान की तरफ से था, जो हमने वो कि अब दुनिया के जो मुल्क इन एनेक्सिस को ट्रू लेटर एंड स्प्रिट में फॉलो करते हैं वो इस वक्त सारे जो है 100% उनके एयरलाइंस परफेक्ट है। लाइक GCA हमसे पीछे था, टर्किश, कतर, इवन ये सिंगापुर वगैरह, ये सब के सब, ये सारे 19 एनेक्सिस फॉलो करते हैं। अब जो 19 एनेक्सिस है, दिस इज द जस्ट ऑफ द ऑल एनेक्सिस, बिकॉज इसमें 6 एनेक्सिस मैंडेटरीली है जो एयरलाइन से, MRO से और एयरलाइन से रिलेटेड चीज़ों से हैं। बाकी कुछ सेफ्टी मैनेजमेंट के, कुछ एयरोनॉटिकल सर्विसेज के, कुछ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के, कुछ ATC के हैं, कुछ सर्च एंड रेस्क्यू के, कुछ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के। जहाँ तक एयरलाइन का ताल्लुक है, ये 6 एनेक्सिस इसमें शामिल है। Annex 1, Annex 6, Annex 8, Annex 11, Annex 13, Annex 14, और ये 19 इज द फाइनल। अच्छा, फ्यूचर ऑफ एविएशन विल बी द अनेक्स 19, बिकॉज ICAO ने 2013 से कहा है कि आप ये अनेक्स 19 इम्प्लीमेंट करें। एंड अनेक्स 19 इज द स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम। इसमें स्टेट ने रेगुलेशंस बनाने जो पार्लियामेंट से पास होनी है, और दिस रेगुलेशंस आर नॉट कंप्लायंस बेस्ड, ये रेगुलेशन डायनेमिक है। अच्छा, इस रेगुलेशन के तहत स्टेट हैज टू आस्क हिज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, जो 7 स्टेक होल्डर है, जिसमें एयरलाइन है, ATC है, एरोड्रोम है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद जो ट्रेनिंग सेंटर है, ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये सब ने मैंडेटरीली इसको इम्प्लीमेंट करना है। ICAO का जो लास्ट ऑडिट 2011 में हुआ था उसमें रिलैक्सेशन दी थी। अब 2020 में जो पाकिस्तान का ऑडिट होना था इसमें वो रिलैक्सेशन नहीं देंगे, और मैक्सिमम जो उनका ऑडिट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम। स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम रेगुलेट करता है। अच्छा, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम इज नॉट द CA पाकिस्तान, इट इज़ नॉट द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो यहाँ CA पाकिस्तान में एक गलत किस्म का इंप्रेशन है, दिस इज द स्टेट जिसके अंदर मिलिट्री भी है, जिसके अंदर जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स भी, एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट रिलेटेड टू आर कंसर्न विद द एविएशन इज पार्ट ऑफ दिस, वो इसके मेंबर है और इसके तहत वो करते हैं। अभी हमारा जो हम डिस्कस करेंगे आगे, मैंने कुछ स्लाइडें इसकी रखी है। बाकी रीजनल ग्रुप्स में EASA, पहले FAO होता था, FAO टॉप ऑफ द लाइन, क्लोन में अभी भी उनका ऑफिस है, बट EASA ने कुछ रेगुलेशंस नए, पहले ये JAR के तहत था, अब EASA ने कुछ नए रेगुलेशंस अपने अडॉप्ट किए। उसके बाद दूसरा ग्रुप है सारी, जिसमें हम सारे मुल्क है। तीसरा ग्रुप है GCA, इसी तरह हर किसी ने, अफ्रीकन्स ने बनाए हैं, कुछ और रीजनल साउथ अफ्रीका वगैरह ने। अब इस वक्त जो रीजनल ब्लॉक्स हैं, जो दो ब्लॉक्स जिसको लोग दुनिया में मानते हैं, वन इज़ FA, अदर इज़ EASA। सो इन दोनों एजेंसी में इस वक्त इवन अमरीका में भी EASA हैज़ एन अपर हैंड। अच्छा, EASA और FA ने पहले मना किया था, दे विल नॉट अडॉप्ट स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम एंड सेफ्टी मैनेज्ड सिस्टम। अब दे हैव रियलाइज्ड कि दिस इज दी फैक्टर, उन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे, बल्कि हो गया। अच्छा, अब आ जाता है स्टेट। स्टेट इज द एविएशन मिनिस्ट्री, और एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने सारे रेगुलेशंस, हमारा जो रेगुलेशन से कार 1994 है, उसके बाद उसमें अभी रिसेंटली इन्होंने अमेंडमेंट की थी, बट दैट अमेंडमेंट इज नॉट अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट। सो दूसरा स्टेट के अंडर आता है स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, विच इज CA पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जो मिस नॉर्म है वो CA को वो कहते हैं कि दिस इज द SSP ऑथराइज एजेंसी, बट नो, CA को इसलिए उन्होंने स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और DGCA को वो पोस्ट होल्डर बना देते हैं बिकॉज ऑफ दी इनके पास रिसोर्सेज मौजूद है। बाकी दूसरे डिपार्टमेंट भी इसके वो हैं, मेंबर्स होने चाहिए, और इट मस्ट बी कंट्रोल्ड। लाइक मैं ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्होंने रखा हुआ था SSP ऑफिस, और CA के अंदर उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा था, और वहाँ पे SMS ऑफिस था। ये EASA के रेगुलेशंस हैं जो पाकिस्तान ने इस वक्त, हम ट्रू लेटर एंड स्प्रिट में कहने को हम टोटल इनके रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। जो ये टोटल रेगुलेशंस हैं जिसमें जो प्रोडक्शन कंस जो
मैन पावर का, ह्यूमन रिसोर्स का, ट्रेनिंग का या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 21 कहलाता है। ऑपरेशन जिसमें रिलेटेड फ्लाइंग है, जिसमें रिलेटेड पायलट एंड एयर होस्टेस, दूसरे है वो ईयू जार ऑप्स कहलाता है। मेंटेनेंस के लिए एमआरओ के लिए और एएमओ के लिए उसमें पार्ट 145 है। फिर लाइसेंसिंग के लिए पार्ट 6 है। अच्छा, पाकिस्तान ने यहाँ इनको नाम दिया है एएनओ, ANO 145, ANO 66, Part M. Part M is relating continuing airworthiness. So, इसमें this is airline. Airline की operation कैसे होगी, ADGSB कैसे करेंगे, safeties किस तरह करेंगे. और Part 147 is the for training organization. Basically, training organization में जो ऐसा भी बल्कि aviation में gaps जिनमें aviation फोरम्स पे भी उन लोगों के साथ फाइट करता रहा हूँ। एविएशन में इस वक्त टेक्नोलॉजी ने ओवरहेड किया, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी इंटेंसिव। अब सारे जहाज जितने भी है, पहले हम वो हेक्सा से फ्लाइंग करते थे, जब मैं क्वेटा में फ्लाइंग करते हैं ग्लाइडिंग तो हेक्सा से देखते, अब कराची एयरपोर्ट पे आपको इन रूट और न्यूयॉर्क के वेदर सारे पता होता है। सो दे हैव टू नाउ टेक्नोलॉजी ने, दूसरा पायलट की स्किल वॉज दी फैक्टर, इंजीनियर का स्किल वॉज दी फैक्टर, अब इट इज उसका रोल तकरीबन 60% है, अदरवाइज बहुत सारे लोग कहते हैं 50% है। नाउ बिकॉज बहुत सारे चीज़ें टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया, लाइक फाइल डायग्नोसिस अब तो ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्किल इज दी फैक्टर, जो कि पाकिस्तान में और बल्कि अकाउंट में थोड़ा सा पूरे एविएशन एरेना में थोड़ा सा कम है, दूसरे मुल्कों ने अडॉप्ट किया, लाइक कतर का मैंने देखा सिस्टम, टर्किश एयरलाइन का देखा, BS का देखा, लुफ्तंजा का मैंने देखा है, और इसके बाद टर्किश एयरलाइन का उन्होंने अपने डाल दिए मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की है, बट पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, बाकी सीए पाकिस्तान में जाने से पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम COVID-19 का वो देखें इफेक्ट, कि ये इंडस्ट्री पे कैसे आया। अच्छा, एविएशन इंडस्ट्री जनरली लोगों के जहन में होता है एयरलाइन, एविएशन इंडस्ट्री में कुछ डायरेक्ट शोबे हैं, कुछ इनडायरेक्ट शोबे, 42 इनडायरेक्ट शोबे हैं, लाइक एयर ट्रैफिक का एक अपना निज़ाम है, एयरपोर्ट का अपना निज़ाम है, HR का अपना निज़ाम है, फाइनेंस के, ये सब एविएशन से रिलेटेड है, जो दुनिया में इस वक्त ये सारी चीज़ें सेग्रीगेट होकर चल रही है, हम अभी तक उस पर नहीं पहुँचे। अच्छा, COVID-19 का जो सबसे बड़ा असर हुआ है एयर ट्रैफिक पैसेंजर्स पे हुआ है, मैं आगे एक वो भी दिखा दूंगा कि कितना कम हुआ है और कितना कम होगा। अच्छा, एयरपोर्ट्स पे हो गए, एयरलाइन जो है 54.7% डिक्लाइन ऑफ रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर, तो ये अच्छा, ये डेटा जितने भी कुछ अकाउ के हैं, कुछ ACI के हैं, ACI इज एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इनका कंसोर्शियम है, और कुछ जैसे एयरलाइन का एटा दे रहा है, टूरिज्म का ये है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज दी ओनली जो दुनिया के सारे टूरिज्म को कंट्रोल करता है, उसका फैक्टर आप देख लें। ट्रेड फॉल ऑफ ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम बाय बिटवीन 13-32% इन 2020 कंपेयर टू 2019 बाय WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। फिर ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इतना असर पड़ा है, नेगेटिव चला गया दो। अच्छी ये इस जो इकोनॉमी को अफेक्ट हुआ है, इसके अफेक्ट 2008-2009 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा वो है, स्वेयर है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक का डेटा है। अगर आप यहाँ देखें एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑन डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक एंड रेवेन्यू बाय रीजन फॉर 2020, अब यहाँ पे मुझे ये ज़रा बंद करूँ ताकि आप, सर आप लोग पढ़ सकते हैं ये स्क्रीन, सर बिल्कुल नजर आ रही है आपकी स्क्रीन, आपने जो वर्ल्ड मैप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल, इसमें आप लोग देखें जो एशिया पैसिफिक है वो इंटरनेशनल ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ जितना यूरोप अफ्रीका वगैरह हुआ है। नॉर्थ अमेरिका में कम है परसेंटेज, इसी तरह जो लातिन अमेरिका है इसमें ज़्यादा है, यूरोप पे ज़्यादा है। अगर आप यूरोप को देखें इसमें थोड़ा अच्छा, अब ये है इंटरनेशनल पैसेंजर में एशिया पैसिफिक पे जो कैपेसिटी -70 to -74, यूरोप का -58 to -61, मिडल ईस्ट का आप देख लें इसी तरह,
-63 से 65, इसमें वो रेवेन्यू वगैरह भी दी हुआ है कि कितने मिलियन कितने बिलियन कम हुआ। अच्छा अब जब हम ये देखते हैं पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, हमारे पास टोटल 45 जहाज हैं टोटल, जो एक टर्किश एयरलाइन के पास 100-200 के करीब है। एमिरेट्स को देखें, इसके बाद हालांकि एमिरेट्स का जो पहला पाकिस्तान ही वो है, मदद भी पाकिस्तान ने की, जहाज भी दिया उन्होंने ड्राई लीज पे दिया, पायलट्स भी दिए, बट उनके हमारे टोटल पीआईए के पास 32 जहाज है जो सारे सर्विसेबल भी नहीं होते। इसी तरह 5 जहाज सरीन के हैं और तकरीबन 10 जहाज एयर ब्लू के हैं। या फिर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है आगे मैं डिस्कस करूंगा, जैसे पाकिस्तान कमर्शियल एविएशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त एक्सक्यूज मी, मैं जो कोट कर रहा हूँ, मैं अकाओ के जो रेगुलेशंस हैं जो हमने मैंडेटरीली फॉलो करना है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो कहता है कि इंडस्ट्री का रोल है ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। ये अकाओ अनेक्स 19 का हिस्सा है और ये SMS के थ्रू बढ़ा है। SMS इज अ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट 9859 और अनेक्स 19 बड़ा क्लियर है इस पर। दूसरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी सेफ्टी ओवरसाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेगुलेशन इम्प्लीमेंटेशन और अपडेट भी करना है एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी करना है। इसको देख के हम पाकिस्तान कमर्शियल एविएशन की तरफ जाते हैं कि इंडस्ट्री का रोल, एक एयरलाइन का रोल क्या है, एक रेगुलेटर का रोल क्या है। इसमें जो भी मेरे हिसाब से जिस तरह एयरलाइन में जो भी डिक्लाइन आता है, जो भी एक्सीडेंट होते हैं, जो भी इंसिडेंट होते हैं, उन सब के जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन या एयरलाइन है। इसी तरह एयरलाइन के अंदर जो भी मसले मसाइल क्रिएट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है। आज के दौर में स्टेट होता है, स्टेट हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आगे मैं कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। जैसे इस वक्त अच्छा पाकिस्तान की जो कमर्शियल हिस्ट्री हम देखते हैं, इसमें पीआईए का सबसे बड़ा रोल है। मतलब पीआईए आज भी सारे एयरलाइंस को कंट्रोल इस तरह करता है कि उसके मैन पावर जाते हैं। पीआईए का खराब होना हमारे लिए खराब होना। इनिशियल डेज 1955 में ओरिएंट एयरलाइन जब मतलब को मर्ज किया और पीआईए को बनाया, उस वक्त के हैं ये इनिशियल डेज, कभी लॉस होता कभी कुछ होता, बट दोज डेज पाकिस्तान वाज डूइंग वेरी गुड। 1960 में नूर खान साहब को उन्होंने बिग बॉस बनाया पीआईए का, दैट वाज द ग्लोरियस डेज। उसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए पीआईए ने। पीआईए कम से कम 6-7 एयरलाइन को उस वक्त, इंक्लूडिंग माल्टा, सिंगापुर एयरलाइन, बहुत सारे दूसरे, उन सबको पीआईए टेक्निकल हैंडलिंग और मेंटेनेंस वो देता था, सपोर्ट देता, बल्कि वेट लीज भी कुछ को जहाज दे देते, कुछ को पायलट्स भी देते। दिस वाज वन ऑफ द टॉप 10 एयरलाइन 1971 के बाद। स्टिल ग्लोरियस डेज थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हुई, अल्लाह भुट्टो साहब को मरहूम को बख्शें, तो वहाँ से वो जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हुई तो डिक्लाइन शुरू। बट 1984, 83 till 85 दोज वर द डेज जहाँ पीआईए ने हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया और सबसे ज़्यादा कमाया। अब 1986 में इन्होंने नए जहाज भी लाए, 1996 to 1993। ये इस वक्त इस तरह था कि ज़्यादा इंटरफेरेंस शुरू हुई। और दूसरा, इन्हीं दौरान 90s, इनिशियल 90s के बाद एकदम रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई और फास्ट नॉलेज ग्रोथ हुआ। टेक्नोलॉजी की उम्र 8 महीने और नॉलेज की उम्र 3 महीने हो गई। अब यहाँ पीआईए, बिकॉज जो बिग बॉसेस, जो डिसीजन मेकर्स थे, डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकर, दे कुड नॉट रियलाइज दिस। वो तो उस लेगेसी में थे कि यार पीआईए ग्लोरियस पीआईए। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, इनके पास फोकर था, जब ATR आया तो इन्होंने फोकर की टेक्नोलॉजी के वो फिलोसफी के साथ ATR को करने को, ATR स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, जबकि फोकर इज वो रॉड वाले जहाज हैं। जो फोकर के प्रोपेलर्स हैं, जो प्रोपेलर इंजन हैं, वो क्वाइट डिफरेंट है। इन्होंने उस तरह शुरू की। दुनिया में सबसे बुरा रिकॉर्ड PIA का है। मैंने PIA की वो मीटिंग भी की, आफ्टर जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद, जमशेद वाला, हमने पूरा रिवाइव किया। उसमें भी मैंने मीटिंग से पहले ये PIA के सारे OCA के लोग बैठते, मैंने कहा आप एक लीगेसी में मुब्तला हो, आप एक कॉम्प्लिसेंसी में मुब्तला हो। आपके लोग कहते हैं हम, हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। बिकॉज मैं ATR से डिस्कस करने
तुलूस गया था, उन्होंने सारे दुनिया का डेटा दिखाया, इसका वो था। अच्छा, दूसरा ये है कि 1293 में 12 नए एयरलाइन को परमिशन मिली कि आप मुकाबले के लिए। अब जब मुकाबला आया तो इधर फर्दर डिक्लाइन हो गया, 93 आज तक डिक्लाइन ही चल रहा है। मैं कंप्लीट हिस्ट्री, अगर कोई इंटरेस्टेड है मैं उसे दे सकता हूँ विद डेटा, कंप्लीट डेटा। अच्छा, इस वक्त प्रेजेंट 2020 में क्या है, हमारे पास 3 RPTs हैं। RPT इज रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो एयरलाइन बड़े एयरलाइन कहलाते हैं। इसकी रेटिंग इस वक्त क्या है, शर्मिंदगी होती है किसी से बात करते हुए, या कोई अब जब हमें फ़ोन करता है, यार क्या व्हाट अबाउट PIA की रेटिंग 1 है, बाकी 2, एक का सरीन तो अभी तक इंटरनेशनल जा ही नहीं रहा। अब आ गया अपना ये एयर ब्लू, उसका 3 है और 3 भी आखिरी 3 में है। टोटल हमारे पास RPT एयरक्राफ्ट 45 है। बाकी कार्गो के हैं, वो कार्गो भी कोई बंद होता है, कार्गो और चार्टर्ड कभी बंद नहीं होता है। जहाज भी वो पुराने लेकर आ रहे हैं, अभी नया एक एयर फैल्कन आया है, बट एयर फैल्कन के जहाज भी पुराने हैं, उनकी भी स्ट्रेटजी ज़रा वो नहीं है जो होना चाहिए, जो आप जल्दी सुनेंगे उनके साथ भी। अच्छा, MRO एक PIA के पास है जो अपने रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं कर सकता, बाकी MRO नहीं है, बल्कि MRO इज अ वेरी वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। दुनिया में 40,000 जहाज आएंगे बाय 2028 इन स्पाइट ऑफ द कोविड। दुनिया में बहुत सारे MROs की जरूरत होगी। अमेरिका ने एक शहर में बनाया, सारे MROs बनाए जो कि पैसे कमा रहे हैं। इधर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में सिर्फ MROs बनाए, बिकॉज इस वक्त एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और एशिया में चाइना और इंडिया तो खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार गया। अब हम इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं। इवन चाइनीज इस वक्त वो एयरलाइन की टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मदद मांग रहे हैं, टेक्नोलॉजी स्किल मैनेजमेंट के लिए उनको बंदे चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिज़ाइन डेवलपमेंट के लिए, हम 7वां मुल्क कहलाते हैं अपने आप को, हम एयरक्राफ्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग में, दैट इज़ सुपर मुशाक, वो भी अकाउ का सीरियस NC है उस पर। अभी जब इस ऑडिट के लिए आएंगे दे विल रेज दिस पॉइंट अगेन। अच्छा, एयर ट्रैफिक सर्विसेज का भी ये हाल है। बाकी सर्टिफाइड एरोड्रोम एक प्राइवेट है, सियालकोट वाला, इसी तरह ATC में भी सियालकोट वाला है। तो बाकी ये दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेट। हमारा स्टेट, द स्टेट हैज़ नाइदर इम्प्लीमेंटेड SSP नॉर हैज़ डिमांडेड इट्स एयरलाइन टू इम्प्लीमेंट SMS इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। अच्छा, एयरलाइन क्लेम करता है मेरा SMS है, जबकि जब तक SSP इंटैक्ट ना हो उस वक्त SMS हो नहीं सकता। SSP के लिए आपको एक डेटा बैंक चाहिए, डेटा वेयर हाउस चाहिए, विच शुड बी इंटीग्रेटेड विद ईच एयरलाइन, विद ईच ATC, विद ईच एयरपोर्ट, विद ईच ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेंटर, विद ईच मैनुफैक्चरर, उन सब के साथ उसको इंटीग्रेट होना चाहिए। बड़ा सा डेटा वेयर हाउस जो दूसरे मुल्कों में है, और ये डेटा वेयर हाउस और ये सारा सिस्टम मैं देख चुका हूँ, इसलिए कि उनके साथ। अच्छा, दूसरा, सबसे पहले तो स्टेट से अप्रूवल लेनी चाहिए। अच्छा, अकाउ यूसेफ ऑडिट 2011 वॉज एक्सेप्टेबल, गुड था, अदर हम इस एरिया में जो सात कंट्रीज है उसमें नंबर 1 थे, बड़ा अच्छा था, इसमें बड़े लोगों ने, बट दिस टाइम दे विल गो फॉर SSP। अभी CMA जो सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है, नोबडी नोज व्हाट टू डू। उन्होंने एक वो फ्लोट किया था टेंडर के हम SSP को, बिकॉज ये सेक्ट्री एविएशन को मैंने खत लिखा था जब शाहरुख नुसरत था, उसने DG को कहा यार ये ज़रूर करो। उसके बाद इनको, इन्होंने टेंडर फ्लोट किया, उन्होंने कहा एक और ऑडिट आ रहा है तो हम SSP इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसल्टेंट चाहिए, बंदे चाहिए। बट उसके बाद उसमें कोई पॉलिटिक्स आया, कुछ आया, तो उन्होंने जब उस फाइनल हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो ऑडिट दूर हो गया कोविड की वजह से, अब हमें नहीं चाहिए। बट उनको ये नहीं पता, ICAO ने और EU ने PIA से डिमांड किया SMS इम्प्लीमेंट करो, दिस इज इन राइटिंग, और EU ने CA को भी कहा है, FNA भी CA को कहा, आपका स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम इंटेक्ट, स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम इंटेक्ट नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। और इम्प्लीमेंटेशन के जहाँ तक मैं, इसलिए बिकॉज मुझे वो अभी भी जो GM वगैरह बुलाते हैं, दे वो बेचारे बड़े परेशान है कि सर क्या होगा। अच्छा, इंडस्ट्री और रेगुलेटरी अथॉरिटी की क्रेडिबिलिटी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, वी आर डूम्ड, आई एम सॉरी सर, सीनियर लोग बहुत बैठे हैं,
मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट इंटरनेशनल लेवल पे आपका एयरलाइन सबसे नीचे है, आपका सीए बहुत उस पर है, फिर दूसरा सीए डोंट नो व्हाट टू डू एंड दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. अब उन्हीं लोगों के साथ दे हैव टू डू लॉट ऑफ चेंजेस, दे डोंट वांट टू डू इट, पीआईए डोंट वांट टू डू इट, वही लोग हैं, वही चीजें हैं, दे कैन नॉट. अच्छा, उसके बाद पाकिस्तानी एयरलाइन और एमआरओ इज नॉट कंसिडर्ड सेफ, चाहे एकाव है, चाहे एआसा है, चाहे एफए है, और दूसरे मुल्क भी अपना ट्रस्ट लूज कर चुके हैं. सर, दिस इज द प्रेजेंट सिचुएशन. आई एम सॉरी, मैं इस प्रेजेंटेशन को अवॉइड करना चाह रहा था. बहुत सारे लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मेरे से नाराज होंगे. मैंने इसको फिर भी माइल्ड करने की कोशिश की. अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे एफए ने डाउनग्रेड कर दिया लेवल वन, लेवल टू. लेवल टू का मतलब है कि कोई पाकिस्तानी एयरलाइन किसी के साथ कोड शेयरिंग भी नहीं कर सकता. कोई अमेरिकन एयरलाइन यहाँ आ नहीं सकता, ना कोई पाकिस्तानी एयरलाइन वहाँ जा सकता. इसी तरह उन्होंने वन स्टार कर दिया. और खैर, एनी हाउ, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों, ईयू हैज़ आल्सो बैंड. तो अभी आया सा ऑडिट हुआ था एक हमारे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का. वो मैं जब उनके सेफ्टी डायरेक्टर सेफ्टी के दफ्तर में गया, लिखा हुआ था 99% इम्प्लीमेंटेशन बिफोर आईएसआर ऑडिट. तो मैंने कहा इज इट लाइक दैट ट्रू, कहने लगा सर छोड़ दें जरा, यू सी दिस इज दी सिचुएशन. बाकी रीजंस ऑफ डिक्लाइन, देयर इज कोई ऐसी चीज नहीं है. अब इनका अगर आप 1955 से 2020 तक आप देखें, मेन प्रॉब्लम इनका ये है कि इन्होंने ट्रेनिंग को पोस्टपोन किया. आजकल टेक्नोलॉजी की उम्र 8 महीने, रादर 7 महीने, नॉलेज की उम्र 3 महीने. नॉलेज मींस रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स भी चेंज हो गए, रेगुलेशंस भी. इसलिए सारे दुनिया में एकाव का जो नया नेक्स्ट 19 सिस्टम है, दैट इज परफॉर्मेंस बेस्ड. दैट मींस इट इज डायनामिक, इट इज बाय डिफॉल्ट यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी चेंजेस. सो हम अभी तक कंप्लायंस बेस पे चल रहे हैं. हमारे रेगुलेशन कंप्लायंस बेस है, हमारे ऑर्डर्स कंप्लायंस बेस पे है, हमारी सारी चीज़ें कंप्लायंस बेस पे. तो इसके लिए अब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग नहीं होती. ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं वो खुश है. ऑर्गेनाइजेशन के वो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो कहते हैं यार हमसे ज़्यादा कोई बड़ा वो नहीं. बट मैं आपको इसकी एग्जाम्पल सर देता हूँ. एक डिप्टी चीफ इंजीनियर 320 पे करके आया. मैंने सारे को 50-60 लोगों के इम्तिहान लेने थे 320 पे, उनको क्लियर करना था, लाइसेंस देना था. तो उससे मैंने पूछा, ही वॉज दी ओनली जो कि अपॉइंट हो रहा था, सारा 320 को लुक आफ्टर करता. मैंने कहा यार आप एक कन्वेंशनल जहाज से, आप 310 इज द कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट, आप इससे डिजिटल एयरक्राफ्ट पे जा रहे हो, वॉट इज योर मेंटेनेंस फिलोसफी? दे डिड नॉट नो, ही डिड नॉट नो. सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये क्या मेरे से ये पूछ रहे हैं? मैं इंजीनियर हूँ. मैंने कहा अच्छा सर आप इंजीनियर हैं. मैंने फेल कर दिया. फेल करने के बाद बहुत प्रेशर आए, बट आई डेंट वो. तो ये इस माइंडसेट के साथ है. सेकंड, ट्रेनिंग इज इस वक्त मैंने कम से कम 6 बड़े एयरलाइन का ऑडिट किया. उसमें मैंने देखा टॉप चीज़ उनकी ट्रेनिंग है. सारे ट्रेनिंग उन्होंने डिजिटाइज किए हुए. जो लुफ्तांज़ा का मैंने देखा, दैट वॉज मार्वलस. टर्किश एयर एयरलाइन का भी बहुत मजबूत है, और टर्किश टेक्निक का भी बहुत ज़बरदस्त है. बट हमारे यहाँ ट्रेनिंग को, और वो भी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को, या सेफ्टी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग को, वो सेकंड टू सेकंड समझते हैं. बस वो इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जोर है वो हैंड्स ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग पे है. B1, B2 की वैल्यू मैंने बताया 50% तक लोग इस्टीमेट करते हैं. क्यों? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का सारा सिस्टम आपका बंदा बनाता है, जो क्वालिटी का, सेफ्टी का, एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट का, 145 का पार्ट एम का स्पेशलिस्ट हो. आम स्पेशलिस्ट ये नहीं बना सकता. अच्छा, दूसरा, हमारे दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो गया, हम में और जो डेवलप वर्ल्ड है, या जो एकाओ की रिक्वायरमेंट है, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा हो गया. बिकॉज हमारा माइंड सेट वह नहीं है. मसलन मैं ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जाता हूँ, मैं मिन्नत करता हूँ यार भाई तुम वो करो. बाहर जाता हूँ तो वो सारे आते हैं, जूस निकाल देते हैं कि बिकॉज वो पैसा देते हैं. यहाँ तो कोई परवाह नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट. पीपल कम्स टू मी एंड से कि यार पैसे लो, सर्टिफिकेट दो. दिस इज़ और बड़े सीनियर टाइप लोग हैं. सो हमें रेगुलेशंस, हमारा वी आर वेरी वेरी यू नो अ बिग गैप इज देयर एज फार एज दी रेगुलेशंस के एडोप्टेशन का वो है. बाकी जहाँ तक हमने SSP और SMS, इस वक्त हमें सिर्फ एक सूरत में जम स्टार्ट मिल सकती है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SSP. बिकॉज SSP में सारे जितने भी अनेक्सेस है
वो उसका जस्ट है। अगर इंशाल्लाह मैं क्लास करूंगा नेक्स्ट पे, अगर आप कहें तो मैं एसएसपी और एसएमएस पे एक लेक्चर दूंगा, अभी मैंने थोड़े से स्लाइड डालिया। अच्छा, ये है डिसीजन मेकिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। पहले ये होता था कि टोटल अर्ली 50s ट्रेडिशनल सेफ्टी कॉन्सेप्ट था, टेक्निकल इराक कहलाता था। इसमें जो भी गलती होती थी वो ज्यादातर वो टेक्निकल फैक्टर्स पे जाते। फिर टेक्नोलॉजी जब एडवांस हुआ, उन्होंने कहा यार लोग स्किल हो गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, स्किल ऑफ द पायलट, स्किल ऑफ द इंजीनियर, स्किल ऑफ द एटीसीओ वाज इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने ह्यूमन फैक्टर्स को वो करना शुरू कर दिया। उसके बाद मिड 70s में अगेन ह्यूमन परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे, बट टोटल वो जो है वो गोल्डन इराक कहलाता था। इसमें चीजें ट्रांजिशन में थी। 90s के बाद जब ये टेक्नोलॉजिकल डिजिटल रेवोल्यूशन आया और टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर किया, टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीजें इतनी रैपिड एडवांसमेंट हुई कि उन्होंने कहा नाउ इट इज दी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल, ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकर रिस्पॉन्सिबल। और जो भी डिसीजन मेकिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए उसी वही जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक्सीडेंट होती है, अगर कोई परफॉर्मेंस बुरा है किसी का, तो ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल। बट हमारे यहाँ अभी तक हम एक खास गैप में हैं। हम इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं इस तरह में सर। अब सर ये कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन क्यों कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट डिसीजन एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस वर्क प्लेस कंडीशन को अगर सही नहीं करेंगे आप, वर्क प्लेस कंडीशन में सारी चीज़ें आ जाती है, जो रिसोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, तो लेटेंट कंडीशंस क्रिएट होते हैं। लेटेंट कंडीशंस वो है कि आपने एक चीज़ सपोज सफाई करनी थी, आपने सफाई नहीं की, पाइलअप होता गया, बंदे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखते गए आदि हो जाते हैं। मैं आपको एक एयरलाइन का बताता हूँ, उस एयरलाइन में पेंसिल इंस्पेक्शन होता है, बिकॉज शुरू में उन्होंने पेंसिल इंस्पेक्शन की, रिसोर्सेज पूरे नहीं किए, जहाज जल्दी में उसके बॉस ने कहा निकालो और लोगों ने चेक नहीं किया, तो वर्किंग कंडीशन सही नहीं है। मैंने खुद चेक किया, जहाज का ओलिव बैठा हुआ है, वो कहता है ए चेक हो गया, डॉक्यूमेंट्स देखो सारे ठीक ठाक। जब बंदे को पकड़ा, जब ज्यादा इंक्वायरी उसने, मैंने कहा सच बताओ छोड़ दूंगा, उसने कहा सर मुझे, मैंने नहीं किया था, उन्होंने कहा यार साइन कर। अच्छा, फिर लोगों को एरर और वायलेशन क्यों आते हैं? एरर और वायलेशन इसलिए आते हैं कि आपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, आप प्रॉपर टूल्स एंड सॉल्यूशंस नहीं देते हैं, आपके प्रोसेसेस इस वक्त दुनिया में प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से सिस्टम बनता है और सेफ्टी और क्वालिटी सिस्टम से बनती है। जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स रोल क्लियर ना हो और रेगुलेशंस आपके प्रॉपर टू दी according to your technology, according to your environment, according to the international environment na ho, aapke errors or violations honge. Training, ab iske differences ya control kya hai, jo bhi accident hota hai agar aap inko nahi karenge, latent conditions jama hoge aur aapne kya karna hai usko, uske differences hai technology, training and regulations. आप इसको फाइट कैसे करते हैं? इस वक्त सपोज एक्स एयरलाइन को आपने वो करना है, आप ट्रेनिंग करा दें, गैप्स, वो गैप्स मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ जहाँ ट्रेनिंग कराए, बिकॉज 9 महीने की एक वर्क स्टडी है। इसी तरह टेक्नोलॉजी, अच्छा टेक्नोलॉजी के डज नॉट मीन हार्ड कोर आपके वो टूल्स एंड सॉल्यूशंस या फिजिकल टूल, टेक्नोलॉजी आजकल इनटेंजिबल भी है। आजकल तो जो स्टैंडर्ड्स है वो प्रिडिक्टिव स्टैंडर्ड्स भी बन गए, वो टेक्नोलॉजी है। Regulations, standards and regulations, they are same. अगर ये working condition सही ना हो, errors and violation हो रही, ये जमा होते जाएंगे। मैं अगले slide में बताऊंगा कैसे जमा होंगे और catastrophe कैसे होगा, तो ये catastrophe होगी। So इस वक्त जितने भी गलतियाँ हो रही है, that is the management decision and organization processes. और उसका solution दुनिया में, this is not my slide, this is top gurus. जैसे अनेक्स 19 पे 6-7 साल तो मैं उनके साथ करता, 2001 से बहुत बड़े बड़े ग्रूज इस पे काम करते हैं, उनकी कंक्लूजन ये है, ये डिफेंसेस है, ये कंट्रोल है। अच्छा, अब यहाँ पे मैनेजमेंट डिसीजन का सेफ्टी गाइडलाइन देखिए, प्रोडक्टिव, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। हमारे यहाँ अभी तक हम इस जगह पे हैं,
अगर आपका रिएक्टिव मींस जब एक्सीडेंट हो उसके बाद आप चीजें कंट्रोल करो, प्रोएक्टिव ये है कि आप उसी सिस्टम के अंदर आप जरा कुछ सेफ्टीज करें, लाइक आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अ प्रोएक्टिव, आपका जो चेक सी है प्रोएक्टिव है, चेक ए इज प्रोएक्टिव, ये ऑलरेडी हो रहा है और इस रीजन में, ये रीजन कंप्लायंस बेस्ड है। अच्छा, अब जब हम आ जाते हैं प्रोडक्टिव पे, प्रोडक्टिव का आप देखें मैश कम होता जा रहा है, इधर और इधर गलतियां ज्यादा होगी, ये इनसफिशिएंट होगा अगर तो आप टोटल रिएक्टिव है। आप खुद देख लें हमारे एयरलाइंस की, हम सॉरी मेरे से ज्यादा लायक लोग हैं, ज्यादा नॉलेज जानते हैं, अगर हम ये रिएक्टिव सिस्टम पे, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट रिएक्टिव सिस्टम, एक्सीडेंट होता है फिर हम शोर शराबा करते हैं, आगे पीछे इन्वेस्टिगेशन होती है। सो मैश आप देख लें, रिएक्टिव प्रोएक्टिव में ये देखिए, प्रोएक्टिव में भी मैश थोड़ा सा तंग है, प्रोडक्टिव में ये वो है बिल्कुल तंग है, और दुनिया इस वक्त प्रोडक्टिव, SMS, SSP, SSP, SMS इस प्रोडक्टिव, ये एक फ्यूचर में वॉक थ्रू मॉडल देता है, ये इस साल का अगले साल पे देता है। अच्छा, मजे की बात है SSP में वो ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेस करें, वो सेफ्टी को भी एक कॉरिडोर में बंद करता है। मैं थोड़ा सा आगे, ये देखें जब हम बात करते हैं प्रोएक्टिव की, जब बात करते हैं सिस्टम भले से ड्रिफ्ट भी हो, इधर ड्रिफ्ट बहुत कम है, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में कितना प्रैक्टिकल ड्रिफ्ट आता है, आपने प्लान किया उस प्लान से ड्रिफ्ट हो गया। अब आप प्रोडक्टिव और प्रोएक्टिव दोनों मिलाए, यहाँ मैश सख्त है, और दिस इज द रीजन दुनिया इस वक्त इस इधर ऑपरेट करे, हम इस एरिया में ऑपरेट करें, इसीलिए तो हम इसी तरह जा रहे हैं। अच्छा, फिर मजे की बात आप देखें, सेफ्टी को लोग कहते थे सेफ्टी इज फर्स्ट, सेफ्टी इज टॉप प्रायोरिटी, सेफ्टी देयर इज नो प्राइस फॉर सेफ्टी, नो देयर इज अ प्राइस। आजकल के दौर में इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, इतने नॉलेज और स्टैंडर्ड स्ट्रांग हो गए कि यू हैव टू ट्रीट सेफ्टी एज अ नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस। सो आपने प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन को ज्यादा बनाया, आपने अनसेफ नहीं करना है, आपने बिल्कुल एक खास कॉरिडोर है आपको, मैं ये इस कॉरिडोर में आप चलें। देखिए अगर आप ज्यादा सेफ्टी करेंगे आज के दौर में, बिकॉज आप बहुत उस पे जा रहे हैं, ट्रेनिंग आपने हर हाल में करानी है, पार्ट ऑफ सेफ्टी है, टेक्नोलॉजी जो रिक्वायरमेंट है आपने करनी है, रेगुलेशन जितने भी है आपने हर हालत में उसको फॉलो करने, रेगुलेशन टाइट हो गए सो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ओवर सेफ्टी करें, बिकॉज सेफ्टी पहले तो स्किल इंश्योर करता था, सेफ्टी वॉज टॉप प्रायोरिटी, सेफ्टी वॉज नंबर वन, बट अब टेक्नोलॉजी ने इतना टेक ओवर किया, मैंने बताया कि यहाँ बैठ के आप उधर का देखते, F6 जहाज पे हम सारी रात सारा दिन बैठ के फॉल्ट डायग्नोसिस करते थे, यहाँ आप चले जाओ स्ट्रेट अवे आप देखो क्लिक करो आपको सारा फॉल्ट बता देगा। उसके बाद फिर इतने ऐसा अरूज रियल अरूज का कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट इतना मजेदार है कि आपको इतने ज्यादा मेंटेनेंस भी वो नहीं करना पड़ता। सो मेरा पॉइंट ये है कि हमने, हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है, हमारे यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया सारे रिसोर्सेज सारे लगा दो, सारे पायलट बेईमान है, इट कांट बी लाइक दैट। आपके प्रोसेसेस अगर बेईमान है तो इसमें किधर गए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाई डिडंट डू। इस वक्त सेफ्टी ओवरसाइट मॉनिटरिंग इतना आसान हो गया और इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना इजी है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड भी इजी भी है, दिस इज क्लिक ऑफ माउस पे प्रोटोकॉल के मुताबिक, सेक्ट्री एविएशन क्लिक ऑफ माउस पे सारा डेटा विद इन मिनट्स ले सकता है, उसको महीने लगते हैं, वो मिनिस्टर ऑफ एविएशन क्लिक करे उसको सारे डेटा मिल सकता है अगर वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में ये इम्प्लीमेंट कर दे, पैसे जाया होते, बाकी आपको हर पायलट का डेटा आके ये वो आईटी वाले ने गपला किया, आईटी मिला, अभी इस वक्त बड़े ब्लेम गेम चल रहे हैं कि फलां मैनेजमेंट में पायलट्स को डाउन करने के लिए वो किया, उसने वो किया, ये सब खत्म हो जाता, विजिबिलिटी मिलती, ट्रेसेबिलिटी मिलती और ऑडिटेबिलिटी मिलती है, ऑडिटेबिलिटी जो अकाउंटेबिलिटी मिलती, इसी तरह आपके रिस्क और हैजर्ड्स, सारे हैजर्ड्स शुरू से इस 2021 के लिए अभी से उसके पास हैजर्ड, हैजर्ड के कंसीक्वेंसेस, हैजर्ड की प्रोबेबिलिटी, हैजर्ड की सिवेरिटी, फिर उनको जब आप उसमें से मोस्ट प्रोबेबल लेके उसको आप रिस्क में कन्वर्ट करते, फिर रिस्क का इंडेक्स बनाते, उस रिस्क का फिर मैट्रिक्स बनाते, फिर उस मैट्रिक्स को आप कंट्रोल्स लगा देते, कंट्रोल्स भी अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, इतना सर आसान है कि आपके पास सारे रिस्क मौजूद है, आपके पास सारे रिसोर्सेज मौजूद है और इंडेक्स बना हुआ है, एक कहता है यार रिस्क है बट चलो यू कैन डू इट, दूसरा कहता है रिस्क है इसको मिटिगेट करके नीचे जाओ, तीसरा कहता है यार रिस्क है नो कंट्रोल नो नो फ्लाई नो गो,
नो गो का मतलब होता है आप उस कंडीशंस को रिमूव करो जो कंडीशन है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप अपने फ्लाइट कम कर दें, आप अगर लॉन्ग हॉल नहीं जा सकते उसमें नो गो है, मत जाएं, इधर से करें, जब पैसे आए तब उधर चले जाएं। बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट के जो प्रोसेस प्रोसीजर इस वक्त बहुत जबरदस्त है, तो इसलिए देर हैज टू बी बैलेंस, वी आर नॉट बैलेंस, वी आर आइदर दिस साइड और दिस साइड। इसी तरह एक्सीडेंट कॉजेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा होता था कि यार ढूंढ लो किस बंदे ने गलती की है, हमारा होता था टू फाइंड आउट द कॉजेस इनटू द कॉज, टू फाइंड आउट द रीजन इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट, फाइंड आउट टू अपोर्शन ब्लेम इफ एनी, अटैच ब्लेम और पनिशमेंट फॉर फेलियर, एड्रेस आइडेंटिफाइड सेफ्टी कंसर्न एक्सक्लूसिवली रेगुलेटरी। अब वो नहीं रहा, अब रहा है पहले व्हाट हु व्हेन, अब कहते हैं व्हाई एंड हाउ, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ढूंढते हैं, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ही रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड सेफ्टी। फिर वो मैनेजमेंट डिसीजन को देखते हैं कि मैनेजमेंट में क्या डिसीजन लिया, हमारे यहाँ सेफ्टी ऐसा नहीं होता, इवन सेफ्टी बोर्ड भी इस तरह नहीं करता, इंस्टेड ऑफ इधर उधर टोंगियाँ मारने के बैठ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बताओ क्या डिसीजन लिए और कौन से ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। पर्पज इज नॉट टू अपॉर्शन ब्लेम, अनेक्स 13 एकाउ का सारी दुनिया के लिए और सारे लोग रिलीजियसली फॉलो कर, द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट टू अपॉर्शन द ब्लेम, द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू फाइंड आउट द कॉजेस फॉर द फ्यूचर। अच्छा, हर एयरलाइन और हर सीए जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को अपना शोहर बना देता है, हम या तो एकदम चढ़ जाते हैं या नीचे। अच्छा, प्रिडक्टिव एक्शन है, जब आपको एक्सीडेंट का रूट कॉज पता चलता है फिर आप प्रिडक्टिव फ्यूचर के एक्शन लेते हैं। जैसे सर मैंने बताया, टोटल डिफेंस या कंट्रोल का कॉन्सेप्ट तीन चीज़ों से होते हैं, रेगुलेशंस, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी। दिस इज द लेटेस्ट जो अनेक्स 19 का जो लेटेस्ट वर्जन है, ये मैं उसका यहाँ शो कर रहा हूँ। इसी तरह आपने मैंने बताया बैंककरप्सी और कैटास्ट्रॉफी पे ना जाए, नॉर्मल जाए, और नॉर्मल कैसे जाए, वो थ्रू मैनेजमेंट होता है, वो थ्रू प्रोसेस होता है, वो थ्रू प्रोसीजर होता है। अगर आपने प्रोसेस प्रोसीजर कैसे कर दिया, आप इस सेफ रीजन में जाएंगे। अच्छा, अब मैंने ये दो एयरलाइन पे दो जगह की थी और वो सच हुआ, बिकॉज मैं ये डेटा ढूंढ रहा था। वो कहता है दिस इज द टिप ऑफ आइसबर्ग कॉन्सेप्ट, वो जो लेटेंट कंडीशंस में बात कर रहा था, या ये जो स्विस चीज का कॉन्सेप्ट दे रहा है, स्विस चीज का कॉन्सेप्ट उस लेटेंट कंडीशन के बाद आता है। लेटेंट कंडीशंस ये होते हैं, 1000 लेटेंट कंडीशन, छोटे 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 चीज़ें, आपने सही नहीं किया ऑन द स्पॉट, सही नहीं किया, उसका रूट कॉज नहीं निकाला, आपने उसको उसी तरह रहने दिया, वो जमा हो जाते हैं। 100 इंसिडेंट और 30 सीरियस इंसिडेंट। बाय द वे, अकाउ में एक्सीडेंट मीन कैटास्ट्रॉफी जनरली, दिस इज दी उसके जो वो है, अदरवाइज उनको सीरियस इंसिडेंट और इंसिडेंट में कहते हैं। हर 1000 लेटेंट कंडीशन, हर 100 इंसिडेंट और 30 सीरियस इंसिडेंट के लिए एक कैटास्ट्रॉफी होती है। इसी तरह वाइस वर्सा, 4000, 1000 और 100 के लिए 5 होते हैं। पीआईए का ये कैलकुलेट हुआ था कि इतने लेटेंट कंडीशंस थे, इतने सारे चीज़ें, इफ़ यू वांट टू सी द डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट दरअसल मेरे उस ऑफिस में बंदे वो डॉक्यूमेंट में मौजूद है, ये बड़ा क्लियर उसने कहा, 1 से 5 तक इसने बात की है, और इसमें वो इनविजिबल टू द आईज, ये आप नहीं देख सकते लेटेंट कंडीशंस को। अगर आपने शुरू से, अच्छा मजे की बात ये है, SMS और SSP में वो हैजर्ड, हर हैजर्ड्स को देखता है, हर पॉसिबल हैजर्ड को, फिर उस हैजर्ड के कॉन्सिक्वेंसेस देखता है, फिर उस कॉन्सिक्वेंसेस के वो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, फिर सेवेरिटी देखते हैं, फिर उसको वो करते हैं। दिस इज अ ब्यूटिफुल सिस्टम, और उसके बाद जाके फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि यार आपके पास पैसे नहीं है, परवाह नहीं है, आप आगे बात करें। अच्छा, पाकिस्तान कमर्शियल एविएशन फ्यूचर विजिबिलिटी, नो पाकिस्तानी एयरलाइन MRO-ATC इज कंसीडर्ड सेफ एट अकाउ, एआसा एंड अदर अकाउ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट लेवल। अब अकाउ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट उनके अकाउ के मेंबर्स को कहते हैं। अच्छा, हर स्टेट सॉवरेन होता है, कोई दूसरा स्टेट उस पर कुछ नहीं डाल सकता, इवन अकाउ भी फोर्स नहीं कर सकता, बट अकाउ इंडिकेट करता है, नोटरन जारी होता है दूसरे मुल्कों के, कोई भी चीज़ आप उस अकाउंट से एग्री नहीं करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। पाकिस्तान एविएशन डिसीजन मेकर आर नॉट अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर, CA एंड रजिस्टर्ड नीड टू रिवाइटलाइज, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एट इंटरनेशनल एंड इवन लोकली, बिकॉज इंटरनेशनल तो दूसरे स्टेट बंद करेंगे, लोकल जब अकाउंट आएगा, अकाउंट कुछ रिस्ट्रिक्शन डालेगा, उसमें आपके हाथ पैर बन जाएंगे। अकाउ यूनिवर्सल सेफ्टी ऑडिट प्रोग्राम
प्रपोज्ड फॉर नवंबर 2020, ये अब 2000 नवंबर में नहीं होगा, मे इनफैक्ट पाकिस्तान से परमिशन टू फ्लाई ऑन इंटरनेशनल रूट से पाकिस्तान को 4-5 महीने पहले अकाउ ने ये कहा था कि हमारा ये ऑडिट आ रहा है तो ये आपको जो इंटरनेशनल रूट के लिए है आपको प्रॉब्लम देगा, बिकॉज वो अपनी अकाउ रेटिंग शो करेगा, दूसरे मुल्क वो रेटिंग देखेंगे और बंद कर देंगे, जैसे ये लाइसेंसेस के केस में बंद कर दिया। इसी तरह पाकिस्तानी कमर्शियल एविएशन नीड्स टू ब्रिज द गैप, गैप ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोसेसेस प्रोसीजर, अपने इनको लेटेस्ट करना है, इन्होंने सेमेस्टर लेटर एंड स्प्रिट में फॉलो करना है, ये नहीं कि जी 99% इम्प्लीमेंटेशन है जबकि उसको वे हो ही नहीं सकता, वो 40% के करीब है। इसी तरह एविएशन में सबसे बड़ी चीज कमर्शियल एविएशन में जो मैंने देखा है दैट इज द बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, और वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, अकाउ भी आता है फिजिकल बहुत कम जाता है, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू करते हैं, एंड वी आर वेरी गुड इन मेकिंग गुड डॉक्यूमेंट्स, हम शो करते हैं, वो हमें ही प्रॉब्लम देगा। सो हम अभी जिस एयरलाइन से पूछो, मैंने 42 एयरलाइन का ऑडिट किया था बिफोर रिटायरमेंट, सारा डेटा मेरे पास मौजूद है, नन ऑफ देम हैड इंप्लीमेंटेड एसएमएस। अच्छा, दूसरा मजे की बात यह कि वो स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, अनेक्स 19 पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि यार हमें सब आ गया, जबकि वो अपनी परसेप्शन के मुताबिक पढ़ता है, उसकी परसेप्शन में नॉट मैच द रियलिटी, उसकी परसेप्शन रियलिटी से थोड़ा सा डिफर करता है, बिकॉज वो माइंडसेट उसका यही है, वो जैसे 777 आया, 777 को 737 के कॉन्सेप्ट पे उन्होंने वो करने की कोशिश की, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन करने की, उन्होंने व्हील के अंदर वो ऑयल वाइल डालते हैं, पहला जहाज टेक ऑफ किया, इंग्लैंड गया या किसी और मुल्क में गया, वहाँ जो ही लैंड किया व्हील को आग लगी, धुआं धुआं धुआं, वो इस वजह से बिकॉज वो उस परसेप्शन के तहत इसकी मेंटेनेंस कर रहे थे कि यार हम जानते हैं। इसी तरह अब जितने भी जैसे फॉल्ट डायग्नोसिस है 777 का, वो बैठ के बंदा करता है हाथ से टुक टुक करता है, जब उसके लिए आपको डिजिटल सारा सिस्टम है, उसके लिए लैपटॉप है, उसके लिए सॉफ्टवेयर है, उसके लिए चीजें बनाते हैं, नहीं करता। तो इसी तरह जब आप एसएमएस पढ़ेंगे तो आप अपनी परसेप्शन के मुताबिक पढ़ेंगे इसको आप, जबकि रियलिटी कुछ होगा तो आप कहेंगे 100% है और लगेंगे और कहेंगे गोरा हमारे खिलाफ है, साजिश कर रहा है। स्टेट मस्ट प्रिपेयर सेफ्टी लेजिस्लेशन फॉर एसएसपी एसएमएस एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, जो अभी तक नहीं किया, और उसमें वो लेवल किस एक छोटे लेवल पे गया वो बंदा बहुत सारे डिसीजन कर रहा है। द स्टेट मस्ट इम्प्लीमेंट एसएसपी एंड डिमांड एसएमएस फ्रॉम ऑल दी स्टेक होल्डर्स, 6 स्टेक होल्डर्स हैं, सारे ATCs होने चाहिए, सारे एयरपोर्ट होने चाहिए, सारे ट्रेनिंग सेंटर होने, सारे मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, सारे एयरलाइन होने चाहिए, सारे MROs होने चाहिए, ये 6 स्टेक होल्डर को SMS इंप्लीमेंट करना है थ्रू लेटर एंड स्प्रिट में, और SMS उस वक्त तक इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब का उसका सेफ्टी ओवरसाइट मैकेनिज्म ना हो। सेफ्टी ओवरसाइट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इज दी CA, और वो स्टेट इसको बनाता है, CA को अथॉरिटी देता है, बिकॉज CA विल बी द स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेशन मस्ट बी चेंज, सर आप सारे लोग हैं, मेरा दिल चलता है, रेगुलेशन मस्ट बी चेंज, हमारे रेगुलेशन आर नॉट दैट प्रोएक्टिव, दिस इज रिएक्टिव। उसके बाद द रिवाइटलाइजेशन ऑफ स्टेट सेफ्टी पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव आर वेरी क्लियरली डिफाइंड बाई अकाउ, जरूरत नहीं अकाउ के सारे वो लगे हैं, विच नीड्स टू बी डन एज सून एज पॉसिबल। State safety assurance is part of SSP which needs to be implemented. State safety risk management is also defined by ICAO with concrete guidelines. लोग समझना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, लोग quality को, अब एक organization states अपना SMS के लिए quality का software ले रहे हैं। I just quit it from there. कि आप कर क्या रहे हैं? इसी तरह सेफ्टी प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी क्लियरली डिफाइंड, अकाउ डिमांड करता है, अकाउ जब अपने अनेक्स में देता है या उसके डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू अनेक्स देता है दैट इज ऑब्लिगेटरी बिकॉज वी आर सिग्नेचरी, दैट इज अ रियल ऑब्लिगेशन विच वी डोंट फॉलो। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, ये कनल नवीद ने सवाल किया कि सर हम क्या कर सकते हैं। हेल्प इन ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इज पाकिस्तानी इंडस्ट्री, arrange seminar workshops and brainstorming sessions, promote implementation of state safety program and safety management system implementation, promote change of old regulation and rotation of new rule, promote the technology management skill, ye jo processes procedure aur system hai
इसको प्रमोट किया जाए नए तरीके से, बिकॉज सर हम स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट को हम ओल्ड कन्वेंशनल तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह हमारे जो बाकी बिजनेसेस के प्रोसेसेस हैं, प्रमोट सेफ्टी ट्रेनिंग कम्युनिकेशन एंड डिसमिशन ऑफ सेफ्टी इंफॉर्मेशन, प्रमोट अडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल डेटा सिस्टम। सर जब तक सीए के पास एक डेटा वेयरहाउस नहीं होगा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा और वो कनेक्ट नहीं होगा हर 6 स्टेक होल्डर के साथ, उस वक्त तक वी शुड फॉरगेट, हम चलेंगे लंगड़ा लोला मिन्नत करके, शायद हम एक आध सेक्टर खोलें, एक आध काव हमें थर्ड फोर्थ रेट पे करें, बट वी कैन नेवर बिकम फर्स्ट स्टेट। ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये अकाव का वो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत ये अकाव के रीजनल फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर ने मुझे कहा था कि यार पाकिस्तान जो है ना एयरवर्थनेस इंस्पेक्टर फॉर अटेंशन फॉलो अप, ये DGCA को उन्होंने लिखा था बैंकॉक से, अपैक ऑफिस से, रिफरेंस टू दिस रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन ऑन दिस पाकिस्तान एग्री टू चैम्पियन एंड आइडेंटिफाई एप्रास्ट। इस एप्रास्ट का मैं पहला मुंबर्स में से था, ये है एशिया पैसिफिक रीजनल एविएशन सेफ्टी टीम एक्शन दैट कुड सपोर्ट SSP इम्प्लीमेंटेशन बाय स्टेट, सारे स्टेट्स का। इसी तरह ये वो श्रीलंका का है, श्रीलंका में स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम था एंड इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसमें श्रीलंका भूटान वगैरह आए थे। ये कैप्टन वाइन जो है ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर इनार था और ये एयर ट्रांसपोर्ट कनाडा का वो डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी था, वहाँ से रिटायर हुआ इधर आया। अपॉन कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप ऑन एवलुएशन फॉर्म वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टिसिपेंट विद रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द वर्कशॉप कंटेंट इंस्ट्रक्टर एंड सजेशन टू इम्प्रूव द वर्कशॉप। देर वॉज 99% रिस्पॉन्स रिसेप्टिव एनालिसिस ऑफ द फीडबैक शोज दैट द सैटिस्फैक्शन लेवल ऑफ 99% वॉज अटेंड फॉर वर्कशॉप, ओवरऑल सैटिस्फैक्शन लेवल 100% वॉज अटेंडेड फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्कशॉप कंटेंट, 98.7 फॉर क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। फिर इसके बाद ये रीजनल डायरेक्टर अरुण मिश्रा, ये DGCA श्रीलंका को, वी आर हैप्पी दैट वी कुड कंप्लीट दिस वर्कशॉप विद सैटिस्फैक्शन फॉर पार्टिसिपेंट, थैंक्स टू कॉस्केप NA स्पेशली मिस्टर चेपिन एंड मिस्टर चंगेजी फॉर स्पेयरिंग वैल्यूएबल टाइम फॉर कॉस्केप SA। I would also record our appreciation to Air Marshal retired Muhammad Yusuf, Director General of Pakistan, for promptly releasing Mr. Chingezi for this workshop. Ye phir Namal Sari likhta hai, Dear Mr. Chapan, let me appreciate you and Mr. Chingezi for the excellent piece of work performed here in Colombo to help educate our staff as well as the Bhutan. These sort of courses are very rare and difficult to arrange due to diversity of situation changing from country to country. It requires lot of effort, energy, stamina and time to prepare for such an event, and two of you had done it very well. I am informed by the participant that the time spent was very productive. Thanking you. Sir, ye maine koshish ki hai isko karne ki, but main CAE professional se request karunga, we should start arranging things. Mere paas resources, wasail itne nahi hai, maine COVID mein bahut sare resources apne deplete kar diye. वी कैन अरेंज वर्कशॉप, सेमिनार, टीवी वगैरह पे मैं भी बात कर सकता हूँ, सर शाहिद का अपना टीवी है, वी शुड मास लेवल पे हम ये इंफॉर्मेशन दे दें, बिकॉज एविएशन इज़ अ बिग इकोनॉमिक ड्राइवर। एविएशन के अंदर आपने देखा जैसे ICAO ने, WTO ने, वर्ल्ड बैंक ने क्या वो चीज़ की है, और कोविड में हमारे पास 45 जहाज है वो भी लंगड़े लोले, फिर हमारा कोई वो नहीं है। इस एविएशन को अगर हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है, अगर हमने इस मुल्क में काम सही तौर पे करना है, तो अगर CAE प्रोफेशनल्स एक ये काम करें बहुत बड़ा होगा, एंड वी कैन डू इट, हमारे पास अच्छे लोग। थैंक यू वेरी मच, और आप जो सवाल करेंगे आई एम रेडी। वेल रियासत, वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुमने बहुत ऐसी चीजें हाईलाइट की हैं व्हिच आर द क्राइंग नीड ऑफ द आवर। However, things the way they are, we'll have to push it. Or system, you know, I had written a letter which you had, in fact, drafted, I had sent it to the Ministry of Aviation. Or, वो मुझे उसका indication मिली कि they are working on it. But I think after your presentation, I'm going to really push it. And of course, जो हमारी सलमान यू आर लिस्निंग ऑल्सो,
सो वी आर ये जो रिकमेंडेशन दिए हैं रियासत ने, आई थिंक बड़ी वैलिड रिकमेंडेशन हैं एंड दे नीड टू बी सॉर्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड. उसके लिए आई थिंक वी शुड हैव सम स्पेशल सेशंस. आई मीन वील ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स, वी आर गुड एट यू नो सेमिनार्स और काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक ये जो SSP और SMS का बात कर रहे हैं, फिर MRO की बात कर रहे हैं और ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, B1, B2, you know, they are to no significance. I think Salman is already working on training part of it and many other things too. So all of you, I think we should constitute a committee of the sort whereby we should now address these things very seriously. Seriously, when I say seriously, it implies कि हमें इसको पुश करना है, चाहे जैसे भी करना है, whether people like it or people don't. We don't care. I mean, we need to do it because ये बड़ी pathetic state है, which Riyasat has pointed out, and Riyasat be you know इसको बड़ी insight है to all these things. So I personally feel we as CAEP, यहाँ पे हम और भी काफी काम we undertaken. I think ये जो मामला है इसको हम बड़ा सीरियसली लेना है, बिकॉज एक तो बेसिकली हमारा ये फील्ड भी है एविएशन, वी हैव टॉप ऑफ द लाइन स्पेशलिस्ट अवेलेबल, रियासत जैसे ऑडिटर्स, इंटरनेशनल थिंग्स लाइक दैट, सो व्हाई कांट वी जस्ट यू नो सॉर्ट ऑफ डू द नीडफुल. तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल में लेस एक वो कहते हैं ना कि वॉर फुटिंग पे एक प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जाना चाहिए मेरे लिहाज से. आई वुड सजेस्ट एंड आई थिंक वी कैन डू इट. पर्सनली स्पीकिंग टोटली शायद ना कर पाए, कुछ ना कुछ हलचल जरूर हम मचाने के काबिल हैं. सो आई थिंक एवरीबॉडी इज लिसनिंग, ज्यादा तो नहीं है लोग. वंस इट गोज ऑन टू आवर फोरम्स, वी नीड टू चेक अप विद पीपल टू एंड let's take it Salman as a project now very seriously, or meanwhile I'll pursue it with the Ministry of Aviation, Riyasat, Salman and all. We'll like to have a small a choti si committee ban jaye. I'll try and get you know ministry minister ko, secretary ko, in logon se time le lenge hum taki hum inko explain kar sake. I mean in bullet form, short and crisp, but we'll make it a very persuasive kind of thing. So yeah, these are my thought on it. Very well done, Riyasat. Tumne badi achhi cheeze point out ki hain. I'm very proud. We are all very proud of you. Well done. Keep it up. Thank you, sir. Thank you. Agar kisi ko mere paas sara data maujood hai, baaki ACAO ke, COSCAP ke, they want to do it. टेक्निकल एफसर यहाँ का एस ए साउथ कॉस्कैप एस ए का, वो उससे मेरी बातचीत होती है, वो किसी तरह की भी ट्रेनिंग देने को तैयार है, गाँव के लोग भी तैयार है. बट इसमें मेन प्रॉब्लम हमारे डिसीजन मेकर वो अपने परसेप्शन के मुताबिक सोचते हैं और परसेप्शन थोड़ा सा मैच नहीं करता रियलिटी से. एक और कोई क्वेश्चन अगर हो या वेल जी, वेरी वेरी very good lecture, Riyasat. Very well spoken. And I'm so happy you've still got your old style of speaking from the heart without mincing words. Thank you, sir. Very well done. Keep it. Because that's the only way to get things done. Speak from the heart. You have the sincerity. And of course, with all the facts that you put in, it was a very, very eye-opening lecture. Thanks a lot. Take care. Well done. निकल सवाल और सवाल किस तरह होता है सर? मैं काम कर भी रहा हूँ अभी इस वक्त. आप मेरा वेबसाइट है उस पे जाके देखें, मैंने प्रॉपर दो वेबसाइट है, दो वो उनमें चीजें हम अभी, मैं एक वर्कशॉप 15 तारीख को कर रहा हूँ सारे लोगों के लिए, बाहर से और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग दिखेंगे वो वर्कशॉप. फिर उसके बाद मैं नवम्बर के अंदर नवंबर में वर्कशॉप करूंगा, नवंबर में मैं कोर्सेज वो करूंगा, जैसे सासी ग्रुप है और बल्कि एयरलाइन ने भी रिक्वेस्ट की है, जो लोग जानते हैं, जो लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, दे वांट के जी आप कोर्सेज करा लें, वर्कशॉप्स करा लें, तो मैं फ्री वर्कशॉप्स कराऊंगा
और पेड कोर्सेज कराऊंगा और वो कोर्सेज सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल है। सर्टिफिकेट मेरा सीए पाकिस्तान भी करता है, जीसीए भी करता है, यूरोपियन यूनियन वाले भी करेंगे, वो करते हैं, बल्कि एक दो जगह भेजा है, बल्कि एक यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्टिफिकेट दिया, एक्सेप्ट किया है उनके सीए। तो रियासत सलमान, आई वांटेड टू पुट इन माय टू सेंट्स। सर, पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक बड़ा बर्निंग टॉपिक है पाकिस्तान के लिए, एंड आवर फ्यूचर इज इन जेपर्डी बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंट एंड नॉन सीरियस एटीट्यूड विद दिस डिबैकल ऑन द लाइसेंसेस। We also lost the trust at the state level and the state organizational level in the international market. So yes, you are right and absolutely wonderfully put that if we don't take actions today, we will probably be in a very bad shape in the next few years. Pehli baat to aapki bilkul main 100% maanta hoon. Dusri baat ye thi ke what we should do as a society and I think there is a lot of enthusiasm already existing. We had interacted with PIA for their IQA safety audit in the beginning of September, and Sir Jameel Malik from G4 had stayed 10 days with the PIA team preparing for it, and alhamdulillah they made a good audit report at the end of the day. So we are very enthusiastic on, provided we get a chance, we need to get our step into the hierarchy of the aviation part industry in Pakistan. At the moment, we don't have a brand, we don't have a name, but with Sir Shahid's personal links and his credentials, we have been able to break through into PIA, and I think we should be able to break through into civil aviation at the ministry level as well. Once we have that, Sir Shahid, I can assure you, we are all sitting waiting for a chance to strike, and we will make that difference. Please give us that chance. Unfortunately, up till now, the PIA was only worried for that audit, and we got a chance for those 10 days. They have not had our briefing yet. There is a whole team from G3's KM Ali Saab to myself. Everyone inclusive is waiting to talk to them, and they haven't been able to give us the time yet. Similarly, your letter from your side to this aviation minister has not seen daylight yet, but I'm sure you are pursuing it. If you do, inshallah, we are ready to embark upon. We will take the training, we will take the seminars, we'll give them the thought, that the awareness that Riyasat has pointed out in the management that is lacking. There are no processes and procedures, training and technology. There has to be a mesh of it, and is very rightly pointed out. So we are all sitting waiting for it to go ahead, sir. Please give us a chance. Get us a chance, and you'll see that you will come up to your expectations. Thank you, sir. Inshallah. Shortly. Inshallah. We'll push it. Yes, Reem. Sorry for barging in. Salman, do you have Murad on board as well? Yes, sir, we have. Uh-huh. Okay. That's great. Mm-hmm. Sorry, Shahid, please go ahead. No problem. I mean, you are one of our wise guys. I mean, not one, the wise guy. Personally, I know you. So I'm sure we are very proud of you, Salim. Mashallah. Okay. So, okay. I mean, interaction. We need to, solve certain problems. And inshallah, the CAEP society is going to, at least kuch na kuch to dent mare hi na, inshallah. Hopefully. Inshallah. Sachin Gezi, this is Kasfar. That was a great presentation. Excellent. Thank you so much. Very professional, very informative. And I don't know about the problems of Pakistan, but definitely Marshal Shahid and senior guys are there. I would propose if you can be appointed as DG Civil Aviation, that will be great. You are the befitting person, experienced, knowledgeable. Number two, for your workshops,
I'll reach out to you, and if you can make me part of your workshops, and maybe in future, if you want to come to Canada, I would invite you to come to Canada. Maybe Canada can utilize your knowledge and skills very well. If Air Marshal Shahid is able to get you DG Civil Aviation, fine, you remain there. Then otherwise, I'll make a move to get you to Canada. Sir, thank you very much. I will come to Canada. मैं ऑलरेडी बाहर भी काम कर रहा हूँ. अकाउ ने 2 साल के लिए मुझे सऊदी अरब के लिए मांगा था SMS के लिए, बिकॉज सऊदी गवर्नमेंट ने somebody gave my name, they asked to be through अकाउ. देखें मेरा, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मैं उस वक्त यूरोप में था. दे कॉल मी, मुझे ढूंढा, उसने कहा हम आपको इतने वो कर रहे हैं. तो आई सेड के यार आई एम नॉट, मैं चाहता हूँ यहाँ वो करूँ. आई विल कम टू कैनेडा. आई विल, मैं जाता हूँ दुबई वगैरह में देता हूँ. अभी मैं मेरे यूके के एक कंपनियों के साथ भी, एक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी है, एक और कंपनी है, एक ट्रेनिंग कंपनी है, बल्कि एक और थर्ड पार्टी है जो कि MROs के लिए भी उनके साथ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो आई विल डेफिनेटली कम. जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस एक प्रेजेंटेशन पे रिलक्टेंट था, बिकॉज दिस विल अफेक्ट मी. पीपल आर ईगोइस्टिक. आई हैव बीन अफेक्टेड मेनी टाइम. मुझे एकाओ ने अपना गो टीम का इंचार्ज बनाया पूरे इस रीजन के लिए, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए. आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर मी, कॉल मी, इसी सारे डी एकाओ वगैरह स्पॉन्सर करते हैं. बट पीपल आर नॉट फुल्स होते हैं अभी. आई डोंट वॉन्ट टू बिकम, अगर दे टेल मी इवन दे गिव मी एवरीथिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम DGCA, बिकॉज मैं स्टेट आदमी हूँ. वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं. थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली पीपल लाइक यू आर नीडेड. पाकिस्तान इज माफिया क्लेंच्ड एक्चुअली. एवरीवेयर देयर आर माफियाज एंड देयर इज अ बिग रॉड नीडेड टू ब्रेक दोस माफियाज. आई मीन आई एम सॉरी टू गिव अ वेरी स्ट्रेट कमेंट. आई मीन टिल द टाइम द माफिया हेड्स आर नॉट क्रश्ड, पाकिस्तान कैन नॉट कम आउट ऑफ इट. Agreed. But you see, there's a, मैं इस वक्त इन हूँ. मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो यंग लोग हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, मैं उनके साथ हूँ. जैसे बहुत सारे ऑडिट इस, मैं इवन एटा का जो रीजनल डायरेक्टर है, इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, टोनी हॉस्टन. ही वॉज अ विंग कमांडर यूसेफ मी, बट इज बी नाउ रीजनल बॉस. मैं उससे, उसने कई बार मुझे कहा तुम आया था कि वो बनो ट्रेनर और ऑडिटर. आई सेड नो, बिकॉज उसने कॉम्प्रोमाइजेस करने थे. If IATA audit is 100% passed, why the organization is failing? Why the organization ke jo physical indicators bhi dete hain? We should be true. Mera matlab hai, isi tarah abhi CA ko maine revitalize ki. Maine abhi retire hone ke ek saal baad tak unke team ke saath lower level pe kaam karta. Upper level pe uske dimag mein dusra bara, I'm sorry for this. Wo apna naukri se. No, you should not be sorry, sir. Actually, dusra bara hai. I mean, there is no need. Matlab mera Pakistan. मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ. अभी भी मैं बहुत सारे लोग मशवरा लेते हैं. अभी भी मैं यंग लोगों को काम कर रहा हूँ, यंग लोगों के साथ काम कर रहा. अभी जैसे कल परसों मैंने तकरीबन 500 बंदे हमने सर सैयद यूनिवर्सिटी में यंग लोग हमको दूसरे डिसिप्लिन में कर रहे हैं. मैं एजुकेशन भी डाल रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी पे. आई एम नॉट गेटिंग फ्रॉम माई, मतलब बल्कि मैं जेब से खर्च करके ये करता हूँ. सिर्फ इसलिए एक दिन आएगा मैं इसी उम्मीद से, और हम अभी ग्रुप बना रहे हैं जिस यही पर प्रोफेशनल भी इसी तरह. और सर सलमान, जहाँ तक इसका तल्लुक है, वी डोंट हैव टू, वी हैव टू मेक आवर ओन स्पेस. हम वर्कशॉप सेमिनार करेंगे, देयर इज नथिंग, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं होगा. वी हैव एक्सपर्ट एंड एक्सपर्ट विल कम, देयर विल बी पीपल. सर सर थैंक यू वेरी मच. आई विल बी इन टच विद यू एंड मे बी आई कैन कंट्रीब्यूट लिटिल बिट इन योर वर्कशॉप्स टू ट्रेन योर स्टूडेंट्स. आई विल बी वेरी हैप्पी एंड इट विल बी अ प्लेजर सर, एंड आई विल राइट यू सेपरेटली ऑन दैट. थैंक यू सो मच. को टेक्निकल सवाल कोई और ऐसे चीज करें ना जिसमें इम्प्रूवमेंट को ऐसी चीज हो. आई वांट टू, ताकि हर बंदा हमने से नॉलेजेबल हो. मैं वर्कशॉप सेमिनार करूंगा, उस पर खर्चा होता है. अगर कोई बंदा यहाँ से कोर्स करना चाहता है, वो दे आर वेलकम, बट उसमें थोड़ा बहुत जो खर्चा होगा वो मैं ले लूँगा. बिकॉज यू सी, यू हैव टू कीप दैट एनवायरमेंट इन माइंड, वो क्लास रूम का सारा, फिर सर्टिफिकेट. तो हमें अपने आप को इक्विप करना है. मेरे पास अगर वसाइल हो तो मैं पहले CMA का फ्री वर्कशॉप, हजारों मैंने लोगों को ट्रेनिंग करवाई, हजारों लोगों को ट्रेनिंग करवाई. वो स्टूडेंट आज मेरे काम आ रहे हैं, दे गिव मी इनसाइड ऑफ द इंडस्ट्री. एक दिन आएगा जब ये बड़े डिसीजन मेकिंग पे पहुंच जाएंगे, फिर शायद चीजें चेंज हो जाए. सर
Chanjay ji, nice presentation. One point from my side, after listening all this, what I figure out is there is also another problem, that is from international agencies to our policymakers. There seems to be a communication gap, and the channel doesn't seem to be good. And there is a requirement of improving this area from international agencies to policymakers. Sir, very good. Because sir, hum cost cap ko paise dete hain. Sri Lanka, India aur dusre log cost cap se free courses hote Pakistan mein nahi karana chahte. इसी तरह अकाउ को हर साल हम पैसे देते हैं और ये अकाउ को कोई बेनिफिट नहीं लेता. मैंने सर 9 महीने लगाए अकाउ के एक्सपर्ट्स को कनाडा से बुलाने में. एकार्ज एक सॉफ्टवेयर है जो सेफ्टी मैन उसका सर देखिए अकाउ उसके सॉफ्टवेयर लेकर आया. अगर आप खरीदे वो बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है. अकाउ ने बंदा भेजा, टेक्निकल ट्रेनिंग कराई, बैक एंड पे अकाउ ने वो किया. अब पैसे कोई तैयार ही नहीं था, लोग मना कर दिया. फिर मैंने PIA से कहा, PIA ने टिकट दिया. मैंने एयर ब्लू से कहा, उसने होटल दे दी. फिर मैंने अगले बंदे से कहा, उसने खाने का बंदोबस्त किया. अब कुछ अकाउ को पैसे देने थे. सर हमारे पैसे वहाँ, जब मैंने डिग इन किया अंदर, तो हमारे पैसे वहाँ पे पड़े हुए थे पब्लिकेशन के, ट्रेनिंग के. फिर मैंने उस DG से स्पेशल रिक्वेस्ट करके और मिनिस्ट्री से उस पैसे को कन्वर्ट किया अकाउ को देने में. सर अकाउ इवन बोइंग एयरबस स्पॉन्सर करेगा, पैसे देगा, बट हमारे लोग नहीं चाहते सर, दे आर नॉट पुश्ड. अच्छा, वहाँ से वैकेंसीज खाली होती है दिखाओ में. सर दूसरे पति कौन लोग जाते हैं? श्रीलंका, भूटान, इंडिया. हमारे पाकिस्तान से लोग एक्सपर्ट नहीं जाते. अच्छा, फिर वहाँ जब वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्ट्री से कोई एक्सपर्ट सा ब्यूरोक्रेट जिसको कुछ पता नहीं होता उठ के चला जाता है, या यहाँ से जो DG का वो चला जाता है. मैं एक्सपर्ट कैसे बना? इन कोर्सेज पे कोई जाना नहीं चाहते थे लोग, बिकॉज इसमें जेब से पैसा खर्चा करना होता है. जब आप बैंकॉक में जाते हैं, ऑफिस में ठहरते हैं, गवर्नमेंट आपको $178 देता है, वहाँ $200 के करीब खर्चा होता है. लोग जाते हैं ऑडिट पे जहाँ पैसा मिलता है, लोग जाते हैं इंस्पेक्शन पे वहाँ पैसा मिलता है. तो इसलिए सर ये बहुत, आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट किया. अगर हम सिर्फ ये कर ले कि सिर्फ कॉस्ट के अपने सैकड़ों कोर्सेज हैं. पहले सर CA पाकिस्तान जब अच्छा था, मैं जो अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में पहले 3 बड़े अच्छे ट्रेनिंग सेंटर थे जो दुनिया से लोग आते थे, दुनिया से, और इंडिया के पास एक था. अभी हमारे पास एक भी नहीं. इंडिया में 25 ट्रेनिंग सेंटर थे, तभी तो उनके एयरलाइन जो है ना वो नहीं होता. अच्छा, अभी दूसरा यहाँ पे मैं सर एंट्री पर्सन था फॉर EU सारी प्रोजेक्ट. 7 मिलियन यूरो से वो प्रोजेक्ट बना. मिस्टर पैट्रिक है, उसने खुद मुझे चुना था. DG CA कहा था मुझे ये बंदा चाहिए. वहाँ पे सर हमने जब इसने जब मैं उन्हें चुना तो DG अच्छा आदमी था. मैंने DG को कन्विंस किया, हम इसको ऑफिस यहाँ ले आएंगे पाकिस्तान. हमने कहा तुम्हें ऑफिस देंगे, गाड़ी देंगे, सब देंगे. मगर सर इंडिया इतना स्मार्ट है, इंडिया ले गया. इंडिया में इस ऑफिस का मतलब आप समझते हैं सर, सारे रिसोर्सेज उधर चले जाते हैं, उससे और ऑफशूट निकलते हैं. इसी तरह सारी का एक प्रोजेक्ट था, उसमें भी अच्छा, उन्होंने वो कोर्सेज कराना चाहते थे यहाँ. हमारे लोग देवर ऑफिस वो यही SMS जस्ट सेफ्टी कल्चर लाना चाहते थे थ्रू SMS. बट सर हमारे लोग इसमें ये बहुत वीक पॉइंट है, और आपने इसी में तो गैप क्रिएट हुआ सर. पहले CA मैं खुद सर मुझे उन्होंने 230 hours फ्लाइंग के लिए सब्सिडी दी. मैं बलूचिस्तान में स्टूडेंट था. इसी तरह ट्रेनिंग के लिए वो सब्सिडी देते. आपका जो कटाई था वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर दुनिया में था. अभी कैरो का बेहतरीन है, श्रीलंका का सर अच्छा है, मुख्तलिफ. हमारा PIA ट्रेनिंग सेंटर दे डोंट वांट टू रिवाइटलाइज. मुझे PIA ट्रेनिंग सेंटर दे दे, मैं इसको इंटरनेशनल वो लगा दूंगा. PIA ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ इंस्ट्रक्टर पॉलिटिक्स करते हैं और लड़ते हैं कि यार मैं बाहर जाऊँगा. सर बाहर से लोग इधर आएंगे. इसकी एफिलिएशन मैं अकाउ के साथ भी करा सकता हूँ, मैं ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के साथ भी करा सकता हूँ, अम्बरी रेडल से भी, फ्रैंकफिल्ड से भी, बिकॉज मैं हर एक के साथ इंट्रेक्शन में हूँ. वहाँ दे पीपल वॉन्ट्स टू कम टू दिस एरिया. इस वक्त खास कर सर इस वक्त एशिया की तरफ लोग आना चाहते हैं. पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री जहाँ चीज़ें बहुत ज़रखेज़ है, बहुत पोटेंशियल है. But this decision method, they are done, sir. ये आपने जो बात की है, this is also one of the weak point. Sir, what happened to Qatar? Sir? Sir, what happened to Qatar?
You mentioned about CATI that it is probably no more there or downgraded. So what happened to CATI? सर कटाई को मारा इसी तरह जैसे क्या हुआ पीआईए सर आपको पता है पीआईए वाज अ ट्रेंडसेटर पीआईए ने पहला जेट एशिया में सबसे पहले जेट लाने वाला पीआईए था ट्रांसएटलांटिक पहला नॉन वो फ्लाई करने वाला पीआईए था वो दुनिया के दस किस तरह यहाँ वहां पे कटाई में सर एक बार मुझे भेजा 15 दिन की या 20 दिन की एक ट्रेनिंग थी मैंने उसका सिलेबस देखा बहुत फर्क था बहुत खराब मैंने वापस आके नया सिलेबस भेजा जीएम ट्रेनिंग को मुझे कहते सर आप अपनी जिंदगी मुसीबत में कर रहे हैं मेरी भी कर रहे हैं आप क्या कर रहे हो यू डोंट डू इट सर मैं एक मतलब उस वक्त मुझे चीजों का भी पता नहीं था इतना मुझे वो तो मैं चुप हो गया कटाई को उन्होंने तबाह कर दिया सर दिस कटाई इज नो मोर एकाउस ट्रेनिंग सेंटर इट वॉज एकाउस अकाउ ने बनाया और अकाउ का ये वन ऑफ द टॉप ट्रेनिंग सेंटर था तभी तो इतनी तरक्की होती पीआईए ट्रेनिंग सेंटर सर पीआईए ट्रेनिंग सेंटर वाज वन ऑफ द टॉप ट्रेनिंग सेंटर इन द रीजन 6-7 एयरलाइन के लोग कंटिन्यूस आते थे सर आप हिस्ट्री देखें इसकी इसी तरह अभी जो वहां पे जाता है लोग हर कोई वहां सारा दिन लड़ते हैं और अब बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर मैं कहूँगा जो भी हो इस प्रेजेंटेशन के बाद लोग मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे सर वो झूठ बोलते हैं यहाँ पे पी आई ट्रेनिंग सेंटर में और उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो कागज पे होती है वो सिर्फ इसलिए लड़ते दे डोंट वांट टू प्रोग्रेस सर इतने प्रोग्रेस के मवाके हैं लिटरली एयरबस वांट्स टू इन्वेस्ट इन योर पीपल मैं एटीआर मैं अपने पैसों से गया मैं तुलूस गया वहां पूरा उनके साथ देखा सारी चीजें देसे उन्होंने पहले थे कहा यार आपका पी आई वाला गड़बड़ करे बिकॉज मैं किसी और एयरलाइन का कंसल्टेंट था तो उन्होंने मुझे कहा यार एटीआर में प्रॉब्लम आ रहा है तो आई वेंट टू पुलिस और वहां जाके वो किया सर उनके साथ तो वो कह रहे यार हमने बंदा इनके पास भेजा हम इनको ट्रेनिंग देने को तैयार है पायलट को एयरमैन को दे रहा हूँ सर ये बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ और मैं प्रूफ के साथ जो बात आपसे कहूंगा मैं उसका प्रूफ के साथ करूंगा वेल रियासत फिकर नॉट इंशाल्लाह वी शल फाइट I'll take your permission. Good presentation. Inshallah, aage chalenge. Take care. Allah Hafiz. Sir, Singhi ji, mere ek sawal tha ki jisme aap beech mein keh rahe the safety and quality is not free. Actually, jo mujhe cheez nazar aati hai, we are facing the problem of attitude and we can't differentiate between the output and the outcome. जो आप बात कह रहे हैं ना कि output जो है ना वो तो output दिखा रहे हैं सब अच्छा है सब अच्छा है Outcome is the incidents which are happening. और जो मैं जो आपको दूसरी बात कह रहा था सेफ्टी एंड क्वालिटी इज स्टिल फ्री बिकॉज दी सेफ्टी एंड क्वालिटी किसने कहा बंद है किसमें बड़ी बंद सेफ्टी एंड क्वालिटी एयरलाइन में नहीं है आपको पता है एयरलाइन में होना क्या चाहिए क्वालिटी इज सपोज्ड टू बी अंडर सीईओ आर अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव बट वो अंडर डायरेक्टर या जनरल मैनेजर या मैनेजर इंजीनियरिंग होता है तो वो कैसे उसको इंडिपेंडेंट है बाबा ये मेरा कहने का मतलब मुझे फिलॉसफी का इशू है ना कि मतलब सेफ्टी वगैरह जो है कॉस्ट इसलिए अगर आप सही काम करें जैसे जो आपने चेन दिखाई है अगर उसके ऊपर आप प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेंगे सिर्फ करेक्टिव एक्शन दिखाने के लिए करके कर लेंगे तो अल्टीमेटली द कॉन्सिक्वेंसेस एंड द कॉस्ट यू हैव टू पे दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी यू आर सेविंग मंजर बाबा बात ये कि दुनिया रिएक्टिव और प्रोएक्टिव से प्रेडिक्टिव पे चला गया अब चीजें डायनामिक है चीजें नो मोर स्टेटिक हर चीज टेक्नोलॉजी की उम्र नॉलेज की उम्र ये एनएक्स 19 तीसरे बार चेंज हो रहा है डॉक्यूमेंट 9859 तीसरे बार चेंज हो रहा है बहुत सकील डॉक्यूमेंट है पहले 5-5, 10-10 साल लगते थे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सेकेंड क्वालिटी मैंने पता नहीं किस स्टेज पे कहा कि क्वालिटी कायद है या वो है मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आप सेफ्टी बड़ा सिंपल सा है सेफ्टी ये नहीं है कि आप सारे पैसे सेफ्टी सेफ्टी एक नॉर्मल प्रोसेस है बिजनेस प्रोसेस अभी बिकॉज टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा वो टेक ओवर किया चीजें ह्यूमन स्किल क्या वो नहीं रहा अब चीजें प्रोडक्टिव हो गई मैंने आपको अगर कहे तो वो स्लैश वो दिखा दूं आपको जो रियासत बात ये थी कि जो आपने भी कहा कि माइंडसेट जो है ना हमारी मैनेजमेंट का बिल्कुल आपने कहा अपने डिस्कशन में कि एवरीबॉडी इज रिस्पांसिबल जो आजकल कॉजेशन है ना उसमें
मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं फॉर व्हाटएवर इज द एक्सीडेंट. और नंजर भी यही कह रहे हैं कि जो हमारा माइंडसेट है ना, हम अब वी लुक एट योर कंप्लीट नेशन, हमारा हर जगह इम्प्लीमेंटेशन का मसला है. देर आर लॉज अबाउट हाउ द कोर्ट्स मस्ट डू एंड हाउ द एयरफोर्स मस्ट रन एंड हाउ द एविएशन मस्ट रन, बट देर आर द प्रॉब्लम इज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. वहां पर जाके सब ये कहते हैं मट्टी पाओ, मट्टी पाओ वाला जो एटीट्यूड है वो एविएशन में नहीं कर सकते. सर सलमान का जवाब मैं थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहूँ इसमें. हुक्म. ये चंगेजी ने जो बताया था ना कि वी हैव टू चेंज आवर कल्चर फ्रॉम कंप्लायंस बेस्ड टू परफॉर्मेंस बेस्ड, ये इन सब बातों का जवाब है कि जो हमारी चीज़ें नहीं हो रही. बेसिकली हमने क्या किया, कंप्लायंस बेस्ड को हमने करते करते ये डिफॉल्टर ओरिएंटेड बना दिया कि किस बंदे ने किस वक्त क्या चीज़ की थी गलत, शॉर्टकट किए थे, कंप्लायंस पूरा नहीं किया था, ये प्रोसीजर और डाल दें. तो ऑल दीज प्रोसीजर नाउ पाइल्ड अप इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज नॉट ट्रू फॉर ओनली पीआईए और सीए, दिस इज इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन. हमने प्रोसीजर इतने बिल्ड कर दिए हैं बेस्ड ऑन समबॉडी डिफॉल्टेड एट सम स्टेज, तो उसका हमने प्रोसीजर डाल दिया. पाकिस्तान एयरफोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी डिस्पाइट रेजिस्टेंस प्रोसीजर आते जा रहे हैं. मैं छोटी एग्जांपल देता हूँ, इट्स वेरी स्मॉल थिंग. ऑफिसर गोइंग ऑन सम टेम्पररी ड्यूटी क्लेम करने के लिए हमारे जमाने में एक पेज के ऊपर दो लाइनें लिखी होती थी और उसके डाटा भर के नीचे लिखा होता था अथॉरिटी एंड यूज्ड टू बी ऑफिसर ऑन स्टेटमेंट. अब क्या हो रहा है कि उसको क्लेम करने के लिए देयर 26 पेजेस टू बी सबमिटेड, 26 डॉक्यूमेंट्स. अभी रिसेंटली एयरफोर्स ने इसको एड्रेस किया है, वो 26 से रिड्यूस हो गए 16 हो गए, बट वाई 16? आप बैंक में चले जाएं, अपना आपका अपना अकाउंट है, आप अपना चेक देते हैं तो एक चेक प्रोसेस होने में 15 मिनट्स लगते हैं एंड देयर लॉन्ग क्यूज, जबकि 6 ईयर अगो यही चेक 1 मिनट में कैश हो जाता था और लॉन्ग क्यूइंग कहीं भी नहीं होती थी. और इसका हम चीज लेते हैं कि हमने उस बंदे ने इस तरह डिफॉल्ट किया था, ये प्रोसीजर कंप्लायंस होना चाहिए. बहुत सिंपल एग्जांपल, रोड के ऊपर आप चले, किसी रोड पे चले जाएं, डीएचए में चले जाएं, बड़ी रोड्स हैं, हर 200 मीटर के बाद एक स्पीड ब्रेकर आता है. व्हाई देयर इज स्पीड ब्रेकर पूछें तो कहते हैं जी पीपल आर ओवर स्पीडिंग. उनको मैंने एक बार एक सबको पकड़ के बिठा दिया एक चौक में, मैंने कहा इसमें देखें और मुझे कैलकुलेट करके बताएं कितनी गाड़ियां ओवर स्पीड कर रही हैं. तो इन 4 आवर्स वी कैलकुलेटेड 500 कार्स पास थ्रू दैट पॉइंट, ओनली 1 वाज ओवर स्पीडिंग. तो हम उस 1 को नहीं चेक करते और एक स्पीड ब्रेकर लगाते हैं कि लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, उन 499 चारों का क्या केस है. तो हमने करना ये है कि हम जिस मर्जी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस कैपेसिटी में, वी हैव टू कीप टेलिंग द पीपल एंड वेयर वी कैन हैव द अथॉरिटी ईज आउट द प्रोसीजर एंड मेक इट परफॉर्मेंस बेस्ड. तो जो चंगेजी के प्रेजेंटेशन में उसने बताया था कि कल्चर हैज टू बी चेंज फ्रॉम द कंप्लायंस बेस्ड टू परफॉर्मेंस बेस्ड, दिस इज द की ऑफ इंप्रूविंग एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्लाइट सेफ्टी और प्रोसीजर और एफिशिएंसी और माइंडसेट एंड एनीथिंग. दैट्स ऑल. एंड यू नो दिस कंप्लायंस, दिस चेंजओवर जो है ना, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है. सो यू अचीव 100% monitoring, and therefore you are able to perform, do all those things that you are supposed to do, and only hold that one guy responsible, jisko ke jisko overspeed kar raha tha, aur aap usko chalan de dete. But you are making it easy for the rest of them to comply with the road instructions. You are very right. This technology is actually an opportunity for us to change our mindset everywhere, at least in the aviation. The point what Asad has brought out is ki agar hum ye nahi karenge abhi to aur 10 saal ke andar hum we will probably not be able to fly abroad in a Pakistani airline. And maybe other airlines who are coming into Pakistan to pick up the passengers will also be very reluctant to fly, because hum log jaise Saudi Arabia se Bahrain jate hain Al Khobar se to pick up a flight from Bahrain, we would people will be driving from Pakistan to neighboring countries to pick up an international airline, because the international airlines will also not come to Pakistan because CAA is not compliant on SMS and the state safety programs is not implemented. So there is a very deep effect of this. If you don't do anything today,
And I think we are in the society we are right now poised, if we get an opportunity to make aware, ये जिस ना मुजफ्फर ने बात की कि हमारे जो decision makers हैं ना उन तक ये communicate नहीं हुआ गया हुआ minister of finance जो हमारा aviation है जो secretary of aviation है उसके पास ये IATA की ICAO की इनकी regulations और इनकी जो warning letters हैं ये उस तरह नहीं पहुंचती जिस तरह के पहुंचनी चाहिए उनको कोई आके मेरी तरह का स्टाफ आपसे ब्रीफ करता है और वो ऑल ओके की रिपोर्ट दे देता है ठीक है ना सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एज अ सोसाइटी दैट वी नीड टू आपकी बात सर जी सर आपकी बात बिल्कुल सही है टेक्नोलॉजी जंप स्टार्ट हमारे पास मौजूद है हमारे पास टोटल इसको सही करने के जंप स्टार्ट मौजूद है और है वो और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बट परसेप्शन जो है ना लोगों का दे परसीव विच इज नॉट मैचिंग द रियलिटी असल चीज उनका जो वो परसीव करते कि यार मसलन अब एक ऑर्गेनाइजेशन में है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्हीं लोगों के साथ जो डिफॉल्टर है जिन्होंने इस हालत में पहुंचा है उन्हीं लोगों के साथ दे थिंक दे कैन डू इट दे कॉल मी आई थिंक देयर मैंने इनसाइड भी देखा देन आई रिट्रीव रियासत सॉरी फॉर इंटरप्शन आई टेल यू तुम देखो हम यहां 18 लोग बैठे थे आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया हम में से सारे के सारे उसी जनरेशन के लोग हैं जो कि कंप्लायंट रिजीम से ताल्लुक रखते थे बट वी ऑल अप्रिशिएटेड कि नहीं इसमें ज्यादा काम है इसमें अवेयरनेस हमें आपके इस लेक्चर से आई है सो आई थिंक मुजफ्फर्स पॉइंट इज वेरी वैलिड दैट इफ इट वाज टू बी पिच्ड राइट तो वो जो एसएसपी वाला काम है वो जो सिविल एविएशन की रेगुलेटरी अथॉरिटी वाला काम है जो कि अभी जिसमें ट्रस्ट डेफिशिएंट है उसके लिए वो बड़ा जरूरी है कि वो वहां तक पहुंचाए थे एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रोल वी शुड अडैप्ट बट थ्रू सेमिनार्स सब एंड टू पर्सनल इंटरेक्शन थ्रू सर शाहिद एंड अदर पीपल टू विद द सेक्रेटरी एविएशन एंड द फाइनेंस सॉरी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन आई थिंक वी हैव टेकन अ लॉन्गर लॉट ऑफ टाइम इट्स ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 8 हियर आई वुड लाइक टू थैंक चंगेजी फॉर अ एनलाइटेंड टॉक एंड making us all really think about the future very very vividly so if there is no more question then thank you very much everybody and I beg leave I need to go and attend something at 8 o'clock so all the best thank you Mr. Salman thank you ji any other question please okay I think let's call it a day sir Changezi thank you very much for your time your efforts for giving us this wonderful presentation we really appreciate it is recorded and I'm going to upload it onto our youtube channel also thank you very much sir thanks a lot ye mujhe bhi zara bhijwa dena recording aapko bhi de denge sir bilkul no problem you will get it god bless you thank you very much everybody for patient hearing agar maine koi cheez jazbaat mein keh diye to